आप इस वीडियो को एक टेस्ट के तरह ले सकते हैं। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए आंसर आंसर सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो इस प्रकार से यदि आप कुछ गलती भी करेंगे तो आप उसे सही कर पाएंगे, क्योंकि हमें गलती से सीखनी होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वैल्यू अकाउंटिंग। यानी दोस्तों सवाल ये पूछा गया है कि वैल्यू अकाउंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है इट इज़ सेम एज कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बराबर ही है। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन सही है गलत है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग और वैल्यू अकाउंटिंग एक नहीं होते। जहाँ तक बात है कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट को ट्रैक करते हैं, राइट। लेकिन वैल्यू अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, वैल्यू अकाउंटिंग में हम प्रोडक्ट के अंदर जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होते हैं उन्हें कैप्चर करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होते हैं उसे हम लोग ट्रैक करते हैं, कैप्चर करते हैं, राइट। तो अब दो तरह का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो टेंजिबल कंट्रीब्यूशन होगा या इनटेंजिबल कंट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों कम करते हैं, तो सेम तो है नहीं। ऑप्शन बी कर रहा है कि वैल्यू अकाउंटिंग इज यूज टू इवैल्यूएट एंड कैप्चर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ये करेक्ट आंसर है। देखिए वैल्यू अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही होता है कि प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, चाहे वो विजिबल कंट्रीब्यूशन हो, तो जो हमारा विजिबल कंट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल, ठीक है, या हमारा इनविजिबल कंट्रीब्यूशन हो, इनविजिबल कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनटेंजिबल, राइट। तो या फिर तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर आप ब्रांड वैल्यू ले लीजिए। अब बोलिए ब्रांड वैल्यू कैसा है, कैसा कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपका इनविजिबल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल दीजिए, IPR, ये भी आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैल्यू अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में या प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं सबको ट्रैक किया जाए, चाहे वो विजिबल कंट्रीब्यूशन हो या इनविजिबल कंट्रीब्यूशन हो। तो देखिए यही होता है कंसेप्ट क्लियरेंस। तो आप क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। ऑप्शन सी करा, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द टेंजिबल कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो ये गलत है। वैल्यू अकाउंटिंग सिर्फ टेंजिबल चीज़ें नहीं देखता, इनटेंजिबल कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जैसे कि गुडविल, जैसे कि एक्सपर्टाइज, जो कि प्रोडक्ट बनाने के में बहुत हेल्प करते हैं। ऑप्शन डी करा, इट टेक्स ओनली इनटेंजिबल कंट्रीब्यूशन, ये भी गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि वैल्यू अकाउंटिंग हर कंट्रीब्यूशन को कैप्चर करता है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है USGEEP के बारे में गलत है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट USGEEP। पहला कह रहा है कि दीज आर अ कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल एंड द स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो USGEEP फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग है इसके लिए कॉमनली फॉलोड अकाउंटिंग रूल और स्टैंडर्ड का कलेक्शन है, जिसे हर कंपनी को फॉलो करना होता है, राइट। तो ये सही है। फिर ऑप्शन बी कर रहा है कि दीज हैव बीन अडॉप्टेड बाय द US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, तो ये भी करेक्ट है। USSEC ने US GAAP को ऑफिशियली अडॉप्ट किया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ताकि कंसिस्टेंसी बना रहे। ऑप्शन सी कर रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ GEEP इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी सही है कि हमारा जो GEEP है इसका मेन पर्पस होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट बनाना, ताकि शेयर होल्डर को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑप्शन डी कर रहा है कि दिस प्रोवाइड डेफिनेट इंश्योरेंस दैट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एरर्स और इंटेंडेड ओमिशन, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा USGEEP है ना, इसका एम ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी लाना होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% एरर फ्री होगा। वही कह रहा है ना यहाँ पे कि एश्योरेंस दैट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी एरर फ्री, 100% गारंटी नहीं करता। एरर और ओमिशन का पॉसिबिलिटी हमेशा होता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन ये होगा, कॉमनली फॉलो अकाउंटिंग रूल होगा, USSEC के द्वारा अडॉप्ट किया गया, ये भी सही है, ट्रांसपेरेंसी लाना ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि GEEP का जो रूल है फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एरर या ओमिशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखा, इसमें दो की पॉइंट्स हमने समझे अभी तक। पहला की पॉइंट ये समझा कि वैल्यू अकाउंटिंग दोनों टेंजिबल और इनटेंजिबल कंट्रीब्यूशन को दोनों को इवैल्यूएट करता है, और USGEEP स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग रूल है ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन एरर फ्री फाइनेंशियल रिपोर्ट गारंटी नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को समराइज, फैक्ट को समराइज भी करते चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके सामने है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के बारे में कौन सा कथन सही है, या ध्यान दीजिएगा सही है पूछा गया है, विच इज़ करेक्ट। चलिए पहला कह रहा है कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग टेक्स इनटू अकाउंट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ओनली एसेट, तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग सिर्फ एसेट को नहीं देखता बल्कि लायबिलिटीज़ को भी देखता है, राइट।
फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का पर्पज़ होता है कि करंट मार्केट वैल्यू को यूज करके एसेट और लायबिलिटी दोनों को एक्यूरेटली वैल्यू दिया जाए किया जाए। तो क्या यूज करता है दोस्तों कि यहाँ पे करंट मार्केट यानी हमारा जो मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू है उसको हम लोग यूज करें, ठीक है, और उसको यूज करके जो हमारा एसेट है या जो हमारा लायबिलिटीज है इनको एक्यूरेटली वैल्यू किया जाए। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन भी कह रहा है कि फेयर अकाउंटिंग वैल्यू टेक्स इनटू अकाउंट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ओनली लायबिलिटी, तो ये भी गलत होगा क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एसेट और लायबिलिटी दोनों को करंट दोनों के करंट मार्केट वैल्यू को कंसिडर करता है। जैसे मान लीजिए कोई एसेट है, इसका भी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगा, कोई लायबिलिटीज है इसका भी करंट मार्केट वैल्यू क्या होगा, दोनों को कंसिडर किया जाएगा, केवल लायबिलिटीज को ही नहीं। और तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है प्रेजेंटली दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंजॉयज वेरी वाइड डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कुछ कंट्री में एक्सेप्टेड है लेकिन हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है। इस मेथड का एक्सेप्टेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा है लेकिन अभी तक यूनिवर्सल नहीं हुआ है, तो क्या रहा ना वाइड डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज करंट वैल्यू अकाउंटिंग, यह बिल्कुल सही है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को हम लोग करंट वैल्यू अकाउंटिंग भी कहते हैं क्योंकि यह करंट मार्केट कंडीशन के बेसिस पे एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्यों इसे करंट वैल्यू अकाउंटिंग कहा जाता है, क्योंकि अभी का मार्केट वैल्यू क्या है वो पता लगाता है एसेट का और लायबिलिटी का, कि अभी का मार्केट वैल्यू क्या है उसके बेसिस पर ये करंट मार्केट कंडीशन एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू को डिसाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि IFRS का फुल फॉर्म क्या है। पहला कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो यह ऑप्शन जो है ये IFRS का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि ग्लोबली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉन्सिलेशन स्टैंडर्ड, यह गलत ऑप्शन है। IFRS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉन्सिलेशन स्टैंडर्ड नहीं होता है, यह एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी कह रहा है इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यह भी इनकरेक्ट है। इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है, इंडियन में अकाउंटिंग के लिए INDES का यूज करते हैं जो कि IFRS के लिए नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक दो की पॉइंट समझे दो क्वेश्चन से। पहला सवाल ये, पहले कंसेप्ट ये समझा कि जो हमारा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है उसको हम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को हम लोग करंट वैल्यू अकाउंटिंग भी कहते हैं, जो कि एसेट और लायबिलिटी दोनों के करंट मार्केट वैल्यू को कंसीडर करता है। फिर हमने सीखा कि IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो ग्लोबली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों आप ये जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैं डील कर रहा हूँ ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर हम लोग इस प्रकार के इंपॉर्टेंट MCQs को आपके लिए दे रखे हैं ताकि आपका फुल्ली फ्लेजेड रिवीजन हो सके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। आप यदि उसे अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। इसमें आपको MCQs के अलावा क्विक रिविजन नोट्स, कैप्सूल नोट्स, बुलेट पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमने 1000 से ऊपर MCQs दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, क्विजेस के फॉर्मेट में टाइम बाउंड क्विजेस हैं, और यानी हर एक वो चीज़ है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में आप इफेक्टिव प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है कि जितने भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उन्हें INDAS से कॉम्प्लाई करना होगा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 2020 गलत है क्योंकि कमर्शियल बैंक ने 1 अप्रैल 2020 से INDAS को अडॉप्ट नहीं किया। 2021 ये भी गलत है। 2022 यह भी गलत है क्योंकि 2022 से भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को ऑफिशियली INDAS अडॉप्ट करने का डिसीजन नहीं हुआ, तो ये डिड नॉट डिसाइडेड इज, यही सही जवाब है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को अभी तक ऑफिशियली INDAS के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब बाय, कौन प्रिस्क्राइब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं प्रिपेयर करती, ICAI, बिल्कुल सही जवाब, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये ICAI स्टैंडर्ड बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी बना रहे। सी भी गलत है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, राइट। तो पहला कह रहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट, वन ऑफ रिसीविंग द बेनिफिट एंड अदर ऑफ गिविंग इट, ये बिल्कुल सही है। डबल एंट्री सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, एक जो बेनिफिट रिसीव करता है, तो जो बेनिफिट रिसीव करता है उसको डेबिट बोलते हैं, और दूसरा होता है जो बेनिफिट देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं,
तो इसको हम डुअल इफेक्ट भी कहते हैं, तो ये तो सही है। फिर कह रहा है कि फॉर एवरी ट्रांजेक्शन टू पार्टीज मस्ट बी इंटरेस्टेड, तो ये भी सही है, हर ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक जो चीज़ रिसीव करता है और एक जो चीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि बायर और सेलर के केस में। सी कह रहा है कि द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट एट द सेम टाइम। यह भी सही स्टेटमेंट है, डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के दो दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, एक अकाउंट में डेबिट और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट, और दोनों का एक ही समय पर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में ये तीनों प्रिंसिपल आते हैं, राइट। यानी कि हर ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, और डेबिट क्रेडिट दोनों एक साथ रिकॉर्ड होते हैं, तीनों आस्पेक्ट आते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के ये तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल कर लें जो 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 की पॉइंट हमने पिछले तीन क्वेश्चन में कवर किए हैं। पहले मैंने क्या बताया, अच्छा एक और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं फिर करेंगे। चलिए एक सवाल और है कि विच व्हाट इज द नीड टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में स्टैंडर्डाइजेशन आने की क्या आवश्यकता थी। तो पहला कह रहा है टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्डाइजेशन से अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी आती है। हर बिजनेस को एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है जिससे कंपैरिजन और अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाता है। तो टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, देखिए ये भी सही है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है क्योंकि सब बिजनेस अपने ट्रांजेक्शन को क्लियरली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड करते हैं। फिर कह रहा है टू बी कंपेरेबल, यह भी सही है, जब जब सब बिजनेस एक ही जैसे प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट इंडस्ट्री या कंट्रीज में क्यों ना हो। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ देम, तो ये गलत है, मतलब ये सही होगा, क्यों ये सही होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन से कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी सब चीज़ें इंश्योर होती हैं, वही तो कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, सही जवाब है। तो अभी तक जो की पॉइंट्स हमने देखे हैं एक बार क्विकली समराइज कर लें। पहला हमने आपको ये बताया कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है उसके मेन प्रिंसिपल क्या क्या है, मैंने ये बताया आपको। पहला प्रिंसिपल है कि इसके एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू, जिसको डुअल इफेक्ट बोलते हैं। पहला क्या होता है, इसमें डुअल इफेक्ट होता है। फिर क्या होता है, इसमें डबल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, दो पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा क्या बताया आपको कि टू फोल्ड डेबिट क्रेडिट का साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये तीन प्रिंसिपल याद रखिएगा, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टैंडर्डाइजेशन लाना इंपॉर्टेंट होता है ताकि कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट, ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं गोइंग कंसर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मतलब है। पहला कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर एनफ टू सस्टेन इट ऑपरेशन, या ये गलत है क्योंकि गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट का प्रॉफिट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि ये आइडिया देता है कि बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इट डज नॉट रिलेट टू द प्रॉफिट, तो ये गलत है। द ऑनर ऑफ द फर्म आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म, यह भी गलत है। अब देखिए ऑनर ऑफ द फर्म आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्म, तो ये किस कंसेप्ट के अंदर आता है, ये आता है हमारा बिजनेस एंटिटी के अंदर। देखिए एक एक क्वेश्चन से आपको एक और क्लियर हो गया, यदि आपसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पूछता तो आप बोलते हैं कि हाँ फर्म के ऑनर और फर्म से अलग होते हैं। फिर कह रहा है कि द फर्म विल बी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, तो बिल्कुल सही जवाब है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का यही मतलब होता है कि बिजनेस की नियर फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा और उसको बंद होने में कोई इमीडिएट रिस्क नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी कह रहा है कि द बिजनेस ऑफ फर्म रिलेट टू अ सेगमेंट विच इज़ गोइंग वेरी वेल, ये भी गलत है क्योंकि गोइंग कंसर्न का यह मतलब नहीं है कि बिजनेस का कोई स्पेसिफिक सेगमेंट अच्छा कर रहा है बाकी बिजनेस से, बल्कि बिजनेस ओवरऑल कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मेन आइडिया यह होता है कि बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा और अपनी ऑपरेशन चलाता रहेगा, ये होता है गोइंग कंसर्न, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैश बुक के बारे में गलत है। देखिए इस प्रकार का सवाल आजकल पूछा जाता है। पहला कह रहा है इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, ये बिल्कुल सही है। कैश बुक का काम ही ये होता है कि कैश रिसीट और कैश पेमेंट का रिकॉर्ड रखा जाए। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, यह भी सही है कि कैश बुक के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड जो कि रिसीट के लिए होता है और क्रेडिट साइड जो पेमेंट के लिए होता है। आपको पता होगा कि डेबिट साइड किसके लिए होता है, रिसीट के लिए होता है, और क्रेडिट साइड किसके लिए होता है, पेमेंट के लिए होता है। फिर कह रहा है कि ऑल रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि कैश बुक में रिसीट डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है और पेमेंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। याद रखिएगा जितने भी हमारे रिसीट होते हैं, राइट, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे कह रहा है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि इट इज़ अ जर्नल एज वेल एज लेजर, तो बिल्कुल सही है, कैश बुक को हम ही एक समय पर जर्नल और लेजर दोनों मान सकते हैं क्योंकि यह ट्रांजेक्शन का डायरेक्ट रिकॉर्ड रखता है।
तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑल रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, दिस इज रॉन्ग, ऑल रिसीट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल क्रेडिट, ऑल दो ही चीज़ों का, या तो रिसीट होगा या आपका क्रेडिट होगा, राइट। तो कैश बुक में जो रिसीट होते हैं वो हमारे डेबिट साइड के लिए होते हैं, और क्रेडिट जो होते हैं वो हमारे पेमेंट क्रेडिट साइड के होते हैं, ठीक है। रिसीट यानी कि जो पैसा हमने रिसीव किया, और पेमेंट जो हमने पे किया, तो जो पे किया है वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे और जो रिसीव किया है वो डेबिट साइड में आएंगे। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है, प्रिपेयरिंग, तो गलत है क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल का एक स्पेसिफिक स्टेप प्रिपेयरिंग नहीं होता है। रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग सही है, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग साइकिल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां पे हम ट्रांजेक्शन को पहले स्टेप में रिकॉर्ड करते हैं। फिर कह रहा है क्लासिफाइंग, तो यह भी ये करेक्ट है, क्लासिफाइंग स्टेप होता है जहां पे हम रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं। और फिर आता है समराइजिंग, यह भी अकाउंटिंग साइकिल का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रिपेयरिंग, क्योंकि प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं होता है। तो अभी तक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने आपको ये बताया कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, इसका मतलब है कि बिजनेस नियर फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। फिर हमने ये बताया कि कैश बुक में रिसीट डेबिट साइड पे और पेमेंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और अकाउंटिंग साइकिल में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग स्टेप्स होते हैं लेकिन प्रिपेयरिंग स्टेप्स नहीं होते हैं। चलिए होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जर्नल एंड लेजर इज नॉट करेक्ट, नॉट ध्यान से सुनिएगा। पहला कह रहा है कि द टर्म पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम द जर्नल टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर, यह बिल्कुल सही है। पोस्टिंग का मतलब होता है कि जर्नल से डेबिट और क्रेडिट आइटम को लेजर के रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करना, बिल्कुल सही है। द जर्नल इज अ बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड वाइल द लेजर इज अ बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड, यह भी करेक्ट है क्योंकि जर्नल में ट्रांजेक्शन को टाइम वाइज रिकॉर्ड किया जाता है जबकि लेजर में उन्हें एनालाइज करके अलग अलग अकाउंट में डाला जाता है। जर्नल में आप क्या करते हैं बताइए, जर्नल में आप ट्रांजेक्शन को टाइम वाइज रिकॉर्ड करते हैं, राइट, जबकि लेजर में आप क्या करते हैं, उनको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और फिर एनालिसिस करके अलग अलग अकाउंट में डालते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है कि जर्नल इज़ मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू लेजर, ये गलत है क्योंकि लेजर ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई और समराइज किया जाता है जबकि जर्नल सिर्फ इनिशियल एंट्री होती है। फिर कह रहा है लेजर इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ये भी इनकरेक्ट है, राइट। आई थिंक यहाँ जो वर्ड है ना, ये यहाँ पे दो गलत हो गया है। चलिए द लेजर इज़ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ये इनकरेक्ट है क्योंकि लेजर फर्स्ट एंट्री नहीं होती है, फर्स्ट फाइनल एंट्री होती है। तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट एंट्री, लेजर इज़ अ फाइनल एंट्री, राइट। तो करेक्ट आंसर डी है, लेकिन देखिए यहाँ पे कहा जाए तो ये भी गलत है, मोर रिलायबल, अच्छा ये रिलायबिलिटी यदि हम एक टर्म में कहें कि हमारे पास जो जर्नल में डेटा सोर्स होता है वो ओरिजिनल होता है, तो इस टर्म में रिलायबिलिटी को कहें तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए जर्नल में जो डेटा होते हैं ना वो ओरिजिनल होते हैं, एकदम आपके ऑब्जर्वेशन से लिए गए होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा रिलायबल आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे जस्ट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, नॉट करेक्ट में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एनी लिमिटेड कैपिटल कंपनी अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शन ए कर रहा है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि लिमिटेड कंपनी का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होता है। नेचुरल पर्सन अकाउंट, यह भी गलत है क्योंकि नेचुरल पर्सन अकाउंट इंसानों के अकाउंट होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये बिल्कुल सही जवाब, लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए इसका अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो लीगल एंटिटीज़ के अकाउंट होते हैं जैसे कि कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उन चीज़ों के होते हैं जो किसी और के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, जैसे कि सैलरी ड्यू, ठीक है, जैसे कि आपका सैलरीज ड्यू हो गया, ये किसी और चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं और उसका अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। फिर कह रहा है कि गुडविल और इंटेंजिबल ट्रेडमार्क जो है वो किसका है, किस अकाउंट का टाइप है। पहला कहला है इंटेंजिबल नॉमिनल अकाउंट, इनकरेक्ट है, गुडविल और ट्रेडमार्क को नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं किया जाता। फिर कह रहा है नॉमिनल अकाउंट, गलत है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, आपका इनकम आएगा, आपका एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा, ये सब आएगा। पर्सनल अकाउंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल या एंटिटीज़ के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट, यह बिल्कुल सही जवाब है, गुडविल और ट्रेडमार्क रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, और स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं आपको पता होगा, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट एसेट के अकाउंट होते हैं चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए कुछ की पॉइंट जो हमने कवर किया उसको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि लेजर जो है बुक
बुक ऑफ फाइनल एंट्री होता है, जबकि जनरल बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री होता है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बताया आपको कि जो हमारा लिमिटेड कंपनी का अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और गुडविल और ट्रेडमार्क रियल अकाउंट होते हैं जो कि इंटेंजिबल एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फ्यूचर नहीं है? पहला कह रहा है कि BRS हेल्प इन अराइविंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैंक बैलेंस। ये बिल्कुल सही है। BRS का मेन पर्पस ही होता है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच जो डिफरेंस होता है, मैं किसका बोल रहा हूँ, एक तो बोल रहा हूँ कैश बुक और एक क्या बोल रहा हूँ मैं बैंक स्टेटमेंट, तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको रिकॉन्साइल किया जाए और एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चलते। फिर बी कह रहा है कि BRS इज प्रिपेयर बाय बैंक। गलत है, BRS बैंक नहीं बनाता, यह कस्टमर या कंपनी बनाती है अपने अकाउंट को रिकॉन्साइल करने के लिए। सो BRS इज नॉट प्रिपेयर बाय बैंक, रेदर इट इज़ प्रिपेयर बाय कंपनी या कस्टमर और कस्टमर टू रिकॉन्साइल देयर अकाउंट। BRS विल रिकॉर्ड एनी डिले इन क्लियरिंग। बिल्कुल सही, BRS यह भी दिखाता है कि कोई चेक क्लियर होने में डिले तो नहीं हुआ है जिससे आपको एग्जैक्ट बैलेंस का पता चल सके। सो BRS विल रिकॉर्ड एनी डिलेज इन क्लियरिंग। ऑप्शन डी कह रहा है कि BRS हेल्प इन फ्रॉड डिटेक्शन ऑफ चेक। यह भी करेक्ट है, अगर कोई फ्रॉड या गलत एंट्री हुई हो तो BRS से वो डिटेक्ट हो सकता है, इसलिए फ्रॉड डिटेक्शन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। राइट, तो हमने क्या देखा कि एक्चुअल पोजीशन पे आते हैं, BRS कौन प्रिपेयर करता है, बैंक नहीं प्रिपेयर करता, या कस्टमर या कंपनी बनाती है। राइट, और फिर BRS विल रिकॉर्ड एनी डिले इन क्लियरिंग, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि BRS हेल्प इन फ्रॉड डिटेक्शन ऑफ चेक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्योंकि BRS बैंक नहीं बनाती है, यह बिजनेस या अकाउंट होल्डर खुद बनाता है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैच कराने के लिए। बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ, पहला कह रहा है कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक, बिल्कुल सही बात। बैंक स्टेटमेंट कस्टमर का अकाउंट का एक कॉपी होता है जो कि बैंक के रिकॉर्ड में होता है, इसमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, गलत है, कैश बुक में बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और यह कस्टमर का व्यू होता है। किसका व्यू होता है, कस्टमर का व्यू होता है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में बैंक के व्यू से होता है। कैश कॉलम ऑफ द बैंक बुक, तो यह भी गलत है, क्योंकि बैंक बुक और कैश बुक अलग कंसेप्ट है और यह कस्टमर के अकाउंट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे गलत सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कस्टमर के अकाउंट का कॉपी होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पहला तो BRS का पर्पज़ है कि बैंक बैलेंस को रिकनसाइल करना, और यह कस्टमर खुद प्रिपेयर करता है ना कि बैंक प्रिपेयर करती है। और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि बैंक स्टेटमेंट कस्टमर का अकाउंट का कॉपी होता है जो कि बैंक के रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने देखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ अवर कास्टिंग ऑन रिसीट साइड ऑफ बुक, कैसे रिकॉन्साइल करेंगे। पहला कह रहा है कि कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दीजिए। देखिए यह गलत है, अगर रिसीट साइड ऑफ कैश बुक को गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड, आपने क्या किया समझिए, आपका जो रिसीट साइड था कैश बुक का, ठीक है, उसको आपने क्या किया, गलती से ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि ओवर कास्ट कर दिया। रहा है पहले समझिए, यहाँ पे हो ये रहा है कि रिसीट साइड ऑफ कैश बुक को गलती से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि यह आपका कैश बुक है, ठीक है, तो रिसीट साइड में जो है हमने क्या किया है कि वी हैव ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब क्या हो रहा है कि रिसीट साइड को गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि रिकॉर्ड करना था 100, हमने रिकॉर्ड कर दिया 200। ठीक है, ये ना होता है ओवरकास्ट का मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस गलत से ज़्यादा दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ कह रहा है कि इंक्रीज द बैलेंस इन द कैश बुक, तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप बैलेंस को ऑलरेडी बढ़ाए हुए हैं तो बढ़ा के थोड़ी आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर कह रहा है इंक्रीज द बैलेंस इन द पासबुक, यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस रिसीट साइड की ओवरकास्टिंग से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है। फिर सी कह रहा है कि डिक्रीजेज द बैलेंस इन द कैश बुक, बिल्कुल सही जवाब। अगर रिसीट साइड से गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया है तो जब आप उसको करेक्ट करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस, ठीक है, तो आप इसका जो रिकॉन्सिलेशन है, ठीक है, वो कैसे होगा, डिक्रीज द बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, और फिर कह रहा है कि डिक्रीजेज द बैलेंस इन द पासबुक, ये भी गलत है, पासबुक का बैलेंस इस पार्ट पर गलती से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि ओवरकास्टिंग का मतलब होता है कि रिसीट गलती से ज़्यादा दिखा दिए हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए आपका कैशबुक बैलेंस कम हो जाएगा। राइट, आपको कैशबुक बैलेंस कम करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आपका जो एक्स है वो क्रेडिट बैलेंस है आपके कैशबुक में, जिसको हम लोग डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसका रिकॉन्सिलेशन कैसा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि कास्टिंग एक्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैशबुक, गलत है, क्योंकि यह गलती को सॉल्व नहीं करता। तो रिकॉन्सिलेशन में हम करते क्या है कि जो गलती की हम किए हैं उसको सही करते हैं। हमने गलती क्या किया कि एक्स क्रेडिट बैलेंस था कैशबुक में, जिसको हमने डेबिट साइड में लिख दिया, हमको लिखना था क्रेडिट बैलेंस, अब लिख दिए डेबिट साइड में, गलती कर दिए, तो आप सही कैसे करेंगे।
फिर कह रहा है कि कास्टिंग 2x ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ये भी गलत है, आपको डबल एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ गलती को ठीक करना है। कास्टिंग 2x ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने गलती से क्रेडिट बैलेंस को डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड किया तो आपको उसे करेक्ट करने के लिए उस बैलेंस को वापस डेबिट साइड पे 2x करना पड़ेगा ताकि गलती ठीक हो जाए। समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा सही जवाब है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, तो अभी तक हमने दो चीज़ देखा यहाँ पे कि जो ओवर कास्टिंग होता है रिसीट साइड ऑफ कैश बुक से, कैश बुक का बैलेंस गलती से ज़्यादा दिखाया जाता है और करेक्ट करने पर यह बैलेंस कम हो जाता है। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कस्टमर का डायरेक्ट डिपॉजिट होता है बैंक में, जिसमें कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो एक बैंक है जहाँ पे कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहा है, तो ऑप्शन ये कह रहा है कि सोवा हायर पासबुक बैलेंस देन कैश बुक, राइट। तो ये सही जवाब है, जब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया हो लेकिन उस ट्रांजैक्शन को अभी तक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हो तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू कैश बुक, राइट। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन उस ट्रांजेक्शन को अभी तक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सोलर लेयर पासबुक देन कैश बुक, ये गलत है क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट, अब यहाँ सवाल क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया लेकिन आपने पासबुक में अभी तक, आपने कैश बुक में अभी तक कुछ चेंज किया नहीं तो पासबुक बैलेंस ज़्यादा ही दिखेगा ना, लेस तो होगा नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है सो नो डिफरेंस, ये भी गलत है क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट का इंपैक्ट कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करता है, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ एक्स टू सुरेश इज पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। पहला कह रहा है कि 2x तक क्रेडिट कर दीजिए, तो गलत है, आपने आपको सुरेश को दो बार क्रेडिट नहीं करना है बल्कि गलती को ठीक करना है। क्रेडिट सुरेश टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स, ये भी गलत है, आपने ऑलरेडी गलती से क्रेडिट किया है तो क्रेडिट करना प्रॉब्लम को और बढ़ा न देगा, घटाएगा थोड़ी। डेबिट सुरेश टू द एक्स, आपने क्या किया कि सुरेश को एक्स अमाउंट क्रेडिट कर दिया और फिर से आप क्रेडिट कीजिएगा तो क्या मतलब है? फिर सी कह रहा है कि डेबिट सुरेश टू द एक्सटेंट ऑफ 2x, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने गलती से सुरेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है तो उसे ठीक करने के लिए आपको उसके अकाउंट को 2x डेबिट करना पड़ेगा ताकि गलत एंट्री बैलेंस हो जाए। डेबिट सुरेश टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स, ये भी गलत है, सिर्फ एक्स डेबिट करने से गलती कम्प्लीटली रेक्टिफाई नहीं होगा, आपको 2x टाइम डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आया? ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा दो अभी तक जो दो क्वेश्चन हमने देखा उसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में किया गया कैश कस्टमर के द्वारा जब तक अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखाई देगा, और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि यदि आपने क्रेडिट सेल गलती से कस्टमर के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए आपको 2x डेबिट करना पड़ता है। फिर हमने क्या देखा, फ्रेट एक्सपेंस फॉर कैरिंग मशीनरी इज कैरी टू द ट्रेवल अकाउंट देन रेक्टिफिकेशन इन द ट्रेवल बैलेंसेज, ऑप्शन ए कह रहा है डेबिट मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट ट्रेवल अकाउंट, ये गलत है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर फ्रेट एक्सपेंस को गलती से ट्रैवल अकाउंट में रिकॉर्ड किया हो तो आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और ट्रैवल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि यह एंट्री सही हो सके। ऑप्शन बी कह रहा है क्रेडिट मशीनरी अकाउंट एंड डेबिट ट्रैवल अकाउंट, ये गलत है, आप ट्रैवल अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत अकाउंट है, यही ना है, गलत अकाउंट। फिर कह रहा है क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिट ट्रैवल अकाउंट, ये भी गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ ट्रांजेक्शन रिलेटेड है ही नहीं। फिर कह रहा है डेबिट PLN अकाउंट एंड क्रेडिट ट्रैवल अकाउंट, ये भी गलत है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि गुड वर्थ एक्स सोल्ड टू विजय वाज इंटर्ड इन परचेज अकाउंट, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे कीजिएगा? पहला कह रहा है क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स इच एंड डेबिट विजय, बिल्कुल सही जवाब है। अगर गुड्स को परचेज अकाउंट में गलती से रिकॉर्ड किया गया है तो आपको परचेज से क्रेडिट करना होगा, सेल्स को भी क्रेडिट करना होगा और विजय के अकाउंट को डेबिट करना होगा। बी कह रहा है कि डेबिट परचेज एंड डेबिट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्स इच एंड क्रेडिट विजय, ये भी गलत है। सी कह रहा है क्रेडिट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ 2x, ये भी गलत है। और डी कह रहा है कि क्रेडिट परचेज टू द एक्सटेंट ऑफ 2x, ये भी गलत है। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका इनमें से कौन सा जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर गुड्स को आपने क्रेडिट गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री नहीं की गई तो ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो एंट्री ही नहीं है। ओवर स्टेटिंग ऑफ सेल्स रजिस्टर, ये भी गलत है, अगर सेल्स रजिस्टर ओवर स्टेटेड है तो इसे ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। रेंट अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट, ये ऑप्शन भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा क्योंकि गलत अकाउंट में एंट्री होने से बैलेंस चेंज हो जाती है। सैलरी डेबिटेड टू द एक्सटेंट हाफ द अमाउंट, ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा क्योंकि आपने सैलरी का हाफ अमाउंट रिकॉर्ड किया जो कि गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि करेक्ट आंसर ये है क्योंकि अगर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री नहीं हुई तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, किस पे जो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है।
पहला कह रहा है कि सम ऑफ द ईयर डिजिट। देखिए सम ऑफ ईयर डिजिट में क्या होता है, इस मेथड टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, ना कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम के हिसाब से, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही जवाब है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रोडक्शन के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी बढ़ता है। ठीक है, फिर कह रहा है रिटर्न ऑन वैल्यू, तो रिटर्न ऑन वैल्यू में क्या है कि यह मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस के पर बेस्ड है, तो टाइम के साथ एसेट की वैल्यू को कम करते रहता है। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट प्रोडक्शन वॉल्यूम पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिक्स परसेंटेज है जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट हर एक साल में, वो किस मेथड के अंदर चार्ज करता है। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड गलत है। स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स अमाउंट हर साल चार्ज किया जाता है वैल्यू के डिमिनिशिंग पर नहीं। ठीक है, बी करा एन्यूटी मेथड, यह भी गलत है। इस मेथड में पेमेंट को रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए नहीं। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, बिल्कुल सही जवाब है। इस मेथड में हर एक साल एक फिक्स परसेंटेज एसेट के डिमिनिशिंग वैल्यू पर चार्ज होता है। और सिंकिंग फंड मेथड भी नहीं है। सिंकिंग फंड मेथड में फंड का प्रोविजनिंग किया जाता है ताकि एसेट को फ्यूचर में रिप्लेस किया जा सके। पहला क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन क्या श्रिंक करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एसेट का स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू वो अमाउंट होती है जो कि एक एसेट की लाइफ खत्म होने के बाद मिलती है, जैसे कोई पुराना मशीनरी है, राइट, तो उसको स्क्रैप में बेचने से जो वैल्यू मिलती है लाइफ ख़त्म होने के बाद जो एसेट की अमाउंट होती है, तो डेप्रिसिएशन का स्क्रैप वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। मार्केट वैल्यू उस प्राइस को कहते हैं जो मार्केट में एसेट को बेचने पर मिलेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, राइट, जो सिर्फ बुक्स में ही एसेट के वैल्यू कम करता है, मार्केट वैल्यू कम नहीं करता है, तो यह भी गलत है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, रेजिडुअल वैल्यू उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है जो एसेट के यूज होने के बाद बचेगी। आपने किसी एसेट को यूज कर लिया, यूज करने के बाद जो वैल्यू बच रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू, राइट। तो इस पर भी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं होता। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है बुक वैल्यू, ये करेक्ट है। देखिए डेप्रिसिएशन सिर्फ बुक वैल्यू को कम करता है। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में जो एसेट की वैल्यू दिखाई जाती है, राइट, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में जो एसेट की वैल्यू होती है वो जो दिखाई जाती है वो टाइम के साथ कम होती रहती है डेप्रिसिएशन की वजह से। जैसे मान लीजिए कि एक मशीन है उसका 1 लाख है, मान लीजिए कि 1 लाख की मशीन है, तो 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगाने से इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी, राइट। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। तो डेप्रिसिएशन किसको घटाता है, तो एसेट के बुक वैल्यू को घटाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 10 और AS 16, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिकॉग्नाइज करता है इनमें से कौन सा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो इनमें से किस मेथड को रिकॉग्नाइज करता है ये AS 10 और AS 16, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SLM। तो देखिए यह मेथड में हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट एसेट की वैल्यू कम होती है। जैसे कोई मशीन मान लीजिए कि 1 लाख का है, सपोज देर इज़ अ मशीन ऑफ 1 लाख वैल्यू, राइट, तो हर साल 10,000 मान लीजिए कि डेप्रिसिएट हुआ, एवरी ईयर ₹10,000 डेप्रिसिएट होकर 10 साल में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। एक होता है हमारा DVM डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन एक परसेंटेज के फॉर्म में लगता है जो हर साल कम होती वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले साल में 1 लाख था, ठीक है, पहले साल में कितना था, 1 लाख था, ठीक है, और उस पर हमने 20% लगाया, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ₹20,000 नहीं हो गया डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू 20,000 डेप्रिसिएट हो गया, और अगले साल ये 80,000 हो जाता है, 80,000 पे लगता है, मतलब अगले साल जो ये डेप्रिसिएशन 20% लगेगा वो कितना पे लगेगा, 80,000 पे लगेगा, समझ में आ रहा है, तो और वैल्यू कम होती जाएगी। फिर आता है हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, यह मेथड एसेट की वैल्यू को उसकी यूजेज के बेसिस पे कम करता है। जैसे एक मशीन अगर 10,000 यूनिट्स बना सकती है तो हर एक यूनिट के साथ उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनली डिक्रीज करती है।
ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने जो AS10 और AS16 की बात हो रही है, तो ये तीनों मेथड को रिकॉग्नाइज करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इनमें से कोई भी मेथड चूज कर सकती है। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखे, एक बार हम लोग क्विक फैक्ट को समराइज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या करता है, सिर्फ बुक वैल्यू को कम करता है, मार्केट वैल्यू पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है। और AS10 और AS16 एक के मुताबिक डेप्रिसिएशन के तीन मेथड हैं, SLM, DABM एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। होपफुली ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जितने भी रेकरिंग एक्सपेंस होते हैं वो किस तरह के नेचर के होते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है डेफर्ड रेवेन्यू। तो डेफर्ड रेवेन्यू वो खर्चा होता है जो अभी किए जाते हैं लेकिन इनका बेनिफिट कुछ सालों तक मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो 2-3 साल तक इम्पैक्ट करे, राइट, तो ये हमारा रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मतलब अभी हमने खर्च किया उसका हमको बेनिफिट 2-3 साल तक मिलेगा, तो ये बार बार रेकरिंग मतलब क्या होता है, जो बार बार हो। फिर एक आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंस ही इसका सही जवाब है। रेवेन्यू एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो कि डेली या रेगुलर ऑपरेशन के लिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैलरी हो गया, जैसे कि मान लीजिए रेंट हो गया या स्टेशनरी हो गया, तो ये रेकरिंग होते हैं क्योंकि इनके हर एक महीना या फ्रिक्वेंटली बिजनेस में आता है। फिर कह रहा है कैपिटल एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने या अपग्रेड करने में लगता है। जैसे आपने घर खरीदा, ये कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे मशीनरी या बिल्डिंग का खरीदा जाना, यहाँ एक बार खर्चा होता है, इसलिए ये भी हमारा रेकरिंग एक्सपेंस नहीं होगा। और एक कह रहा है डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंस। इस तरह का कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट होता ही नहीं है या कन्फ्यूजिंग टर्म है, राइट, तो इसको एलिमिनेट करना ईजी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि फ्रेट एक्सपेंस फॉर मूविंग मशीनरी टू फैक्ट्री इज। तो पहला ऑप्शन कर रहा है रेवेन्यू एक्सपेंस। तो रेवेन्यू एक्सपेंस से हमारा डेली ऑपरेशन चलता है लेकिन मशीनरी को फैक्ट्री लाने का जो खर्चा है एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए यह गलत आंसर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ये वो खर्चा है जो एक बार में किया जाता है लेकिन मल्टीपल ईयर तक बेनिफिट देते हैं, जैसे ब्रांडिंग इन एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ भी फिट नहीं हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंस ये सही है। मशीनरी को फैक्ट्री में लगाना का जो फ्रेट कॉस्ट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है क्योंकि यह खर्चा एसेट की टोटल वैल्यू में शामिल किया जाएगा। मशीनरी के ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड खर्चा एसेट का हिस्सा माना जाता है। ये बातें समझ में आई आपको, राइट, तो ये भी हमारा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द आवर दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर आवर फ्रेट एक्सपेंस सॉरी कैपिटल एक्सपेंड, राइट, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो अभी इन दोनों क्वेश्चन से हमें दो कंसेप्ट मिला कि रेवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं वो हर रोज़ या फ्रिक्वेंटली होने वाले खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट और यूटिलिटी बिल। और फ्रेट एक्सपेंस जो होते हैं वो खासकर फ्रेट एक्सपेंस मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने के कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं क्योंकि यह एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, राइट। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि हमारा जो मशीनरी का डिफेक्टिव पार्ट का रिप्लेसमेंट होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो ये तो सही है क्योंकि मशीनरी के छोटे पार्ट का रिप्लेसमेंट एक रेगुलर मेंटेनेंस का हिस्सा होता है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। जैसे मान लीजिए बल्ब रिप्लेस करना हुआ या वायरिंग ठीक करना हुआ, ये सब के सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस में आएंगे। फिर कह रहा है कि डेली वेजेस जो हम इरेक्शन या इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का पे कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंस है। बिल्कुल सही, मशीनरी इंस्टॉल करने का हर खर्चा चाहे वो वेजेज ही क्यों ना हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होता है क्योंकि यह मशीनरी के इनिशियल कॉस्ट को बढ़ाता है। फिर कह रहा है कि अंडरराइटिंग कमीशनिंग फॉर इशू ऑफ शेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या लगता है आपसे गलत पूछा गया है। देखिए अंडरराइटिंग कमीशनिंग एक कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि यह शेयर इशू करते वक्त एक बार का खर्चा होता है। जब आप शेयर इशू करते हैं ना तब आपका ये अंडरराइटिंग का खर्चा आता है, तो यह शेयर का टोटल इशू प्रोसेस का हिस्सा होता है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर नहीं आएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये सही था, ये सही था। फिर कह रहा है कि एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी ओवर इट रिटर्न ऑन वैल्यू बट लेस देन कॉस्ट प्राइस इज स्टेटेड एज रेवेन्यू रिसीट। देखिए ये सही है, जब एक मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे बिकती है लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से कम, तो यह प्रॉफिट को रेवेन्यू रिसीट में जाता है, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मशीनरी है जो कि WDV से जिसका प्राइस जो है WDV से ज़्यादा है लेकिन उसका ओरिजिनल कॉस्ट से कम है, तो रेवेन्यू रिसीट में माना जाता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका, गलत पूछा था ना आपसे, तो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक एक्सपेंस को रेवेन्यू या कैपिटल क्लासिफाई किया जाएगा वो किस बात पर निर्भर करता है।
पहला कह रहा है कि काइंड ऑफ एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस का नेचर बताता है कि वो हमारा डेली ऑपरेशन के लिए है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इसीलिए ये हमारा एक रेलेवेंट फैक्टर है। फिर कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर कोई खर्चा मल्टीपल ईयर तक बेनिफिट देता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, अगर बेनिफिट शॉर्ट टर्म हो या एक अकाउंटिंग पीरियड तक हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आता है, तो ये ड्यूरेशन भी काम में आता है डिसाइड करने में कि रेवेन्यू है या कैपिटल है। फिर है कि इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, अगर खर्चा रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, जैसे मान लीजिए कि आपने मशीनरी को अपग्रेड किया, ये खर्चा कैसा, ये आपका ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाएगा तो वो कैपिटल एक्सपेंस में आएगा, और नॉर्मल मेंटेनेंस जो बस करंट फंक्शनिंग मेंटेन करता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस में आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। तो एक्सपेंस को रेवेन्यू या कैपिटल क्लासिफाई करने के लिए सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्सपेंस का नेचर क्या है, चाहे आपका बेनिफिट का ड्यूरेशन क्या है, रेवेन्यू कैपेसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑल दीज आर नेसेसरी। तो अभी हमने दो कंसेप्ट सीखा। पहला कंसेप्ट क्या सीखा कि जो हमारा अंडरराइटिंग वाला एक्सपेंस होता है, आप यहाँ देख सकते हैं अंडरराइटिंग एक कमीशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यह एक बार का खर्चा है शेयर इशू करते वक्त। और दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि एक्सपेंस को रेवेन्यू या कैपिटल क्लासिफाई करने के लिए नेचर, बेनिफिट का ड्यूरेशन, इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, इन सभी को कंसिडर किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो ये देखते हैं हम लोग। सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारा एकोमोडेशन बिल होता है इसका पर्पस क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांजेक्शन। यह बिल काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, ट्रेड के लिए रेगुलर बिल का यूज होता है, यानी यहाँ देखिए ट्रेड कर रहा है ना, तो ट्रेड के लिए कैसा है, रेगुलर बिल यूज होता है, लेकिन एकोमोडेशन बिल का पर्पस कुछ और है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। टू रेज मनी विदाउट सेलिंग और बाइंग गुड्स व्हेन वन और बोथ पार्टीज आर नीड ऑफ द फंड। देखिए ये सही जवाब है। एकोमोडेशन बिल एक स्पेशल अरेंजमेंट है जहाँ पे दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए फंड रेज करने के लिए बिल बनाते हैं। ये एक पार्टी ए है और ये एक पार्टी बी है, ये दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए फंड रेज करने के लिए बिल बनाते हैं, चाहे कोई एक्चुअल गुड्स का सेल या परचेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए को पैसे चाहिए तो बी उसके लिए एक बिल ड्रॉ करेगा, जो ए बैंक के थ्रू डिस्काउंट करा के पैसा अरेंज करेगा। तो यह म्यूचुअल हेल्प का एग्जांपल है। सी कर रहा है टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज ऑफ सेल और गुड, यह ट्रेड बिल का काम होता है। यदि हमें एक्चुअल परचेज ऑफ सेल और गुड है तो ट्रेड बिल का काम होता है, ये हमारा एकोमोडेशन बिल नहीं है, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए एक बहुत अच्छा सवाल है कि 1 जनवरी 2022 को एक्स ने एक बिल ड्रॉ किया वाई पे 40,000 का 3 महीने के लिए, तो बिल का मैच्योरिटी डेट क्या होगा। बढ़िया सवाल है। तो बिल का मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करते वक्त मंथ को कैलेंडर मंथ के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/1/22 उसमें 3 महीना आप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4/22, और उसमें आपको पता होगा ना एक तीन दिन का ग्रेस ऐड करना होता है, NTP को थ्री डेज ग्रेस ऐड करना होता है, तो 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/4/22, तो 4/4/22 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ये ग्रेस पीरियड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मैच्योरिटी बिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में दो कंसेप्ट सीखे। हमने ये बताया कि एकोमोडेशन बिल का पर्पज है फंड अरेंज करना बिना कोई गुड्स बाय सेल किए, जब पार्टीज़ को शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत हो, और बिल की मैच्योरिटी डेट करते वक्त ग्रेस पीरियड यानी कि 3 दिन जरूर ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। दोस्तों ये जो कंटेंट है आपको हमारे AFM के कैप्सूल कोर्स में मिलेगा। यदि आपको कम समय है और यदि आप एक इफेक्टिव कंटेंट चाहते हैं जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा इफेक्टिव रिविजन कर सकें, तो हमारा कैप्सूल कोर्स बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। विशेष जानकारी चाहते हैं कैप्सूल कोर्स के बारे में तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर दिए गए नंबर पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नोटिंग चार्ज क्या होता है, नोटिंग चार्ज कौन किसको पे करता है। बताइए नोटिंग चार्ज कौन किसको पे करता है। पे टू द बैंक फॉर डिसऑनर, पे टू द ड्रॉअर फॉर डिसऑनर, पे टू ऑब्वियसली नाम है, नोटरी पब्लिक को ही पे किया जाएगा, नाम ही रखा है नोटिंग चार्ज। चलिए अगला एक सवाल है, इनमें से कौन सा गलत है। देयर इज नो डिफरेंस इन अपीयरेंस बिटवीन ट्रेड एंड एकोमोडेशन बिल, तो सही है, ठीक है। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड, ड्रॉ हाँ, मेकर ऑफ बिल ड्रॉअर होता है, ड्रॉ ही नहीं होता है, तो ऑप्शन सी गलत है। अच्छा एक सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन फ्रॉम हुम सम पोर्शन ऑफ द डेट इज रिकवरेबल, यह गलत है। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि एक पर्सन को फाइनेंशियल पोजिशन इतना वीक हो गया है कि वो अपने डेप्ट रिपे नहीं कर सकता। इस केस में क्रेडिटर का कुछ पार्शियल अमाउंट मिल सकता है लेकिन मोस्टली लॉसेज ही होते हैं।
फिर कह रहा है कि ड्रॉअर ड्रैग्स द ड्रॉई टू कोर्ट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ एकोमोडेशन बिल, यह भी गलत है। एकोमोडेशन बिल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होता है, तो अगर ड्रॉई डिसऑनर करता है तो यूजुअली दोनों पार्टीज़ के बीच अंडरस्टैंडिंग होती है, इसका कोर्ट में केस बनाना अनकॉमन है। फिर कह रहा है कि व्हेन द ड्यू डेट ऑफ बिल फॉल ऑन पब्लिक हॉलीडे इट इज़ पेएबल ऑन अर्लियर वर्किंग डे, तो यह सही है, अगर बिल की ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आती है तो लॉ के अकॉर्डिंग उसको बिल को अर्ली वर्किंग डे में पे करना होता है। जैसे मान लीजिए ड्यू डेट 15 अगस्त है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, तो बिल 14 अगस्त को ही क्या करना होगा, पे करना होगा। फिर कह रहा है ड्रॉई इज़ द पर्सन टू हुम द बिल इज इंडोर्स्ड, यह गलत है, ड्रॉई वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है और पे करने का कमिटमेंट लेता है, ना कि वो पर्सन जो जिसको इंडोर्स किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हमने देखा, कौन सा सही है, ऑप्शन बाकी सब गलत है लेकिन ऑप्शन सी सही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बैंक जो है अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर ऑफ वाउचर पोस्टिंग को फॉलो करता है जिसके अंदर वाउचर को पहला कह रहा है कि फर्स्ट पोस्टेड इन द जनरल लेजर एंड देन टू द इंडिविजुअल अकाउंट इन द सब्सिडी लेजर, यह मेथड एक्यूरेट नहीं है क्योंकि बैंक ऑपरेशन में सबसे पहले सब्सिडी लेजर अपडेट किया जाता है। फिर बी कह रहा है कि स्ट्रेट वे पोस्टेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट इन द सब्सिडी लेजर, तो देखिए ये सही जवाब है, बैंक में वाउचर पोस्टिंग का मतलब है कि ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली सब्सिडी लेजर। अब मैं बोलूँगा सब्सिडी लेजर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए सेविंग अकाउंट रहा, लोन अकाउंट रहा, ठीक है, में अपडेट किया जाता है, ठीक है। वाउचर पोस्टिंग का ही ना मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली सब्सिडी लेजर में अपडेट किया जाता है, क्योंकि यह कस्टमर स्पेसिफिक लेजर होते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि पहले हम जनरल लेजर में डालेंगे फिर उसको इंडिविजुअल अकाउंट में, ऐसा नहीं। फिर सी कह रहा है कि फर्स्ट पोस्टेड इन द डे बुक एंड देन टू द अकाउंट इन द सब्सिडी लेजर, यह ट्रेडिशनल बुक कीपिंग मेथड होता है लेकिन बैंकिंग सिस्टम में यह प्रोसेस यूज नहीं होता है। तो अभी हमने दो क्वेश्चन देखा, हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, पहले ये बताया आपको कि जो बिल की पेमेंट होती है अगर पब्लिक हॉलीडे पर हो रही है तो बिल पहले उससे पहले जो वर्किंग डे होता है उसी दिन पेबल होता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि बैंक में ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग प्रोसेस सब्सिडी लेजर में डायरेक्ट अपडेट से होता है ताकि इंडिविजुअल अकाउंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक डेबिट वाउचर नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है चालान फॉर डिपॉजिट इनटू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो चालान का यूज होता है डिपॉजिट करने के लिए जो कि एक क्रेडिट एंट्री होती है ना कि डेबिट, यानी यह डेबिट वाउचर नहीं है। जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करता है तो उसका ट्रीटमेंट क्रेडिट में किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। चेक इशूड बाय कस्टमर, यह डेबिट वाउचर है क्योंकि जब कस्टमर चेक इशू करता है तो उसके अकाउंट से पैसा डेबिट होता है। फिर कह रहा है ड्राफ्ट इशूड बाय अदर ब्रांच ऑफ द बैंक पेबल एट द ब्रांच, तो यह भी एक डेबिट वाउचर का एग्जाम्पल है, राइट, क्योंकि पैसा ब्रांच के अकाउंट से डेबिट हो रहा है जब पेमेंट की जाती है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट रिसीट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यह भी डेबिट वाउचर है क्योंकि जब टर्म डिपॉजिट रिसीट को प्रेजेंट किया जाएगा तो बैंक उस अमाउंट को अकाउंट से डेबिट करके कस्टमर को पेमेंट देता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि गलत ही तो पूछा गया आंसर। चलिए इनमें से कौन सा क्रेडिट वाउचर नहीं है, पहला कह रहा है पे इन स्लिप फिल्ड बाय द कस्टमर फॉर डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इन देयर अकाउंट, ये तो क्रेडिट वाउचर है क्योंकि पैसा कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट एंट्री हो रही है। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट, ये भी क्रेडिट वाउचर है क्योंकि टर्म डिपॉजिट के लिए पैसा कस्टमर के अकाउंट से क्रेडिट होता है और डिपॉजिट के लिए अलग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फिर कह रहा है कि वाउचर प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच ऑन इट प्रिंटेड स्टेशनरी विच इज ऑथराइज बाय बैंक ऑफिशियल, यह भी क्रेडिट वाउचर का एग्जाम्पल हो सकता है जब ब्रांच कुछ अमाउंट क्रेडिट करती है जैसे कि कोई रिवर्सल एंट्री या फंड ट्रांसफर। फिर कह रहा है लेटर ऑफ अथॉरिटी साइन बाय द कस्टमर कंटेनिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, देखिए यह क्रेडिट वाउचर नहीं है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है या अथॉरिटी लेटर है जो बताता है कि फ्यूचर में पेमेंट एक या फ्यूचर में पेमेंट या ट्रांसफर किया जाए, तो यह एक इंस्ट्रक्शन है, राइट, ना कि क्रेडिट वाउचर। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन, तो दोस्तों अभी हमने क्या दो चीज़ सीखा कि चालान डिपॉजिट हमेशा क्रेडिट वाउचर होता है क्योंकि डिपॉजिट होने पर अकाउंट क्रेडिट होता है, और डेबिट वाउचर में आपको याद रखना है कि जब पैसा किसी अकाउंट से निकलता है तो वो डेबिट होता है, जैसे कि चेक या ड्राफ्ट के केस में, ये याद रखिएगा, जब भी कोई किसी अकाउंट से पैसा निकलता है तो वो डेबिट वाउचर होता है, राइट, तो वो डेबिट होता है। चलिए अब बात करें हम लोग कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है बैक जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अच्छा ये शायद एक क्वेश्चन है। चलिए अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, पहले ये देख लेते हैं कौन सा फंक्शन जो है बैक ऑफिस के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि रिमाइंडर फॉर रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट, तो यह बैक ऑफिस का फंक्शन होता है क्योंकि बैक ऑफिस टीम इंटरनल टास्क मैनेज करती है जैसे कि रिमाइंडर सेंड करना, डिपॉजिट ऑफ कैश बाय द कस्टमर एट द काउंटर,
तो यह बैक ऑफिस का काम नहीं होता है। कैश डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रंट ऑफिस के थ्रू होता है, जहाँ पे कस्टमर बैंक काउंटर पे कैश जमा करते हैं, फ्रंट ऑफिस टीम कस्टमर के साथ डील करता है। कैलकुलेशन एंड पोस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन लोन अकाउंट, यह बैक ऑफिस का काम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पोस्टिंग एक इंटरनल अकाउंटिंग एक्टिविटी है। मेंटेनेंस ऑफ जनरल लेजर एंड अदर बुक ऑफ अकाउंट, यह भी बैक ऑफिस के अंदर आता है, क्योंकि बुक ऑफ अकाउंट और जनरल लेजर मेंटेन करना एक इंटरनल ऑपरेशन है। तो हमने क्या देखा, ACD जो है हमारा वो फ्रंट वो बैक ऑफिस का काम है। आपसे पूछा गया था कि नहीं परफॉर्म किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे इंटर ऑफिस डेबिट या क्रेडिट एंट्री का कारण नहीं बनेगा, नहीं डज नॉट रिजल्ट इन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एडवांस टू स्टाफ मेंबर बाय डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अगर कोई स्टाफ मेंबर को एडवांस दिया जाता है तो उसे सस्पेंस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, यह एक इंटरनल एंट्री होती है और इंटर ऑफिस डेबिट क्रेडिट क्रिएट नहीं होता है। पेमेंट ऑफ ट्रैवलर चेक इशूड बाय अदर ब्रांच, ठीक है, तो ये तो सही हो गया ना, पेमेंट ऑफ ट्रैवलर चेक इशूड बाय अदर ब्रांच, तो यह इंटर ऑफिस एंट्री बनाता है, क्योंकि एक ब्रांच का चेक को दूसरी ब्रांच ने पे किया है, ठीक है, तो ये तो करता है। रिसीट फ्रॉम अदर ब्रांच ऑफ द प्रोसीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंड फॉर कलेक्शन, यह भी इंटर ऑफिस एंट्री है, क्योंकि एक ब्रांच का इंस्ट्रूमेंट को दूसरी ब्रांच ने कलेक्ट किया है। इशू ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इशू होने पर भी इंटर ऑफिस एंट्री क्रिएट होती है, क्योंकि ड्राफ्ट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के थ्रू क्लियर होता है। तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम अबाउट रिकॉन्सिलेशन एट द ब्रांच लेवल विच हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व बाई कंप्यूटराइजेशन इज दैट ऑफ, ठीक है, तो इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा ब्रांच लेवल पे रिकॉन्सिलेशन होता है, जिसको कंप्यूटराइजेशन के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता, वो क्या है, क्या प्रॉब्लम है। पहला कह रहा है सेविंग बैंक अकाउंट, तो कंप्यूटराइजेशन के बाद सेविंग अकाउंट के रिकॉन्सिलेशन काफ़ी ईजिली मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन रियल टाइम ट्रैक हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। करेंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का भी रिकॉन्सिलेशन एफिशिएंटली हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इन्हें ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करते हैं। ड्राफ्ट इशूड अकाउंट, ड्राफ्ट की रिकॉन्सिलेशन भी मैनेजेबल है। फिर कह रहा है सस्पेंस एंड सन्ड्री डिपॉजिट, ये सबसे सही बात है, कंप्यूटराइजेशन के बावजूद सस्पेंस और सन्ड्री डिपॉजिट अकाउंट का रिकॉन्सिलेशन काफ़ी चैलेंजिंग होता है। यह अकाउंट टेम्प्रोरी ट्रांजेक्शन को ट्रैक करते हैं, जैसे अनक्लेम डिपॉजिट, क्या होता है इसके अंदर, अनक्लेम डिपॉजिट, राइट, जैसे मान लीजिए कि कुछ हमारा अनरिजॉल्व पेमेंट हुआ और मैनुअली रिजॉल्व करना जरूरी होता है, राइट, तो इसीलिए हमारा सस्पेंस अकाउंट इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा टिपिकल और मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर है जो कि इंटर ऑफिस अकाउंट में दिखता है। पहला कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टिकुलर इन इनकरेक्ट फील्ड, तो यह एक कॉमन एरर है जहां डिटेल्स गलत फील्ड में रिकॉर्ड कर दी जाती है, जिससे इंटर ऑफिस रिकॉन्सिलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। फिर कह रहा है डबल रिकॉर्डिंग ऑन सेम ट्रांजेक्शन, कभी कभी एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करता है। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन इनकरेक्ट ऑफिस अकाउंट, गलत ऑफिस अकाउंट में ट्रांजेक्शन पोस्ट करना भी एक कॉमन मिस्टेक है, जिससे रिकॉन्सिलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव, तो बैंकिंग सिस्टम में ये सारी के सारी एरर कॉमन है, इनकरेक्ट फील्ड एंट्री, डबल रिकॉर्डिंग, रॉन्ग ऑफिस अकाउंट पोस्टिंग, इंटर ऑफिस रिकॉन्सिलेशन को स्लो और टीडियस बना देता है, तो डी नंबर सही है, ठीक है। अब सवाल है कि कॉमन एरर इनमें से कौन कौन सा है जो कि ब्रांच के डेली स्टेटमेंट में दिखता है। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर एक ट्रांजेक्शन को कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मार्क कर दिया गया तो गलत क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो ये कॉमन एरर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टिकुलर इन इनकरेक्ट फील्ड, मान लीजिए कि एक चेक डिपॉजिट को कैश डिपॉजिट फील्ड में रिकॉर्ड कर दिए हैं तो रिपोर्ट का एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाता है, तो यह भी एक यूजुअल मिस्टेक है। डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस इन सक्सेसिव डे स्टेटमेंट, यह एरर तब होता है जब एक दिन का क्लोजिंग बैलेंस और अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं करता है, यह मिसमैच ऑडिटिंग और रिकॉन्सिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है, बैंक ब्रांचेज में ये सारे एरर कॉमन होते हैं, गलत ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन से इनकरेक्ट फील्ड में एंट्री करना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में मिसमैच होना, राइट। चलिए एक सवाल देखते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बाय कंकरेंट ऑडिटर, कंकरेंट ऑडिटर का मतलब होता है, इनका रोल होता है कि ट्रांजेक्शन को करंट पीरियड में इवेल्युएट करना, राइट, करंट पीरियड, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट नहीं रिकॉर्ड नहीं करते, स्टेटरी ऑडिट, स्टेटरी ऑडिटर ही लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं। यह रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिटेल एनालिसिस को दिखाता है, किसको दिखाता है, ये डिटेल एनालिसिस को दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिटेल एनालिसिस को दिखाता है। इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेसेस की एफिशिएंसी को चेक करते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते हैं। टैक्स ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर टैक्स रिलेटेड मैटर पे फोकस करते हैं और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करते हैं, तो कौन इशू करता है, तो स्टेटरी ऑडिटर इसका सही जवाब है। स्टेटरी ऑडिटर क्या करते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं,
यह रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिटेल एनालिसिस को दिखाती है। चलिए, एक सवाल है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल ऑडिट का? टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो देखिए, फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू देते हैं। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सही तरीके से बताते हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर, तो एरर का डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का डिटेक्शन और प्रिवेंशन जरूरी है लेकिन यह भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन्हांस द शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर वैल्यू को इन्हांस करना एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी फोकस नहीं है। तो अभी हमने दो चीज़ें देखी। पहला चीज़ देखी कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को स्टेटरी ऑडिट इशू करते हैं जो डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करता है, और फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर वैल्यू देते हैं। चलिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं। इंटरनल ऑडिट जो है वो कौन करता है? तो याद रखिएगा, जो हमारा इंटरनल ऑडिट है, टैक्स एक्सपर्ट करेंगे क्या? तो मैटर को हैंडल, टैक्स मैटर को हैंडल करते हैं, वो तो नहीं करेंगे। ऑडिटर अप्रूव बाय आरबीआई, तो आरबीआई के द्वारा अप्रूव ऑडिटर भी बैंक के एक्सटर्नल ऑडिट के लिए होते हैं, इंटरनल ऑडिट का फोकस नहीं होता। लेकिन बैंक के जो अपने ही स्टाफ होते हैं वही इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करते हैं, राइट? तो इंटरनल ऑडिट का क्या एम है? तो इंटरनल ऑडिट का प्रॉफिटेबिलिटी एम है नहीं, टैक्स प्लानिंग नहीं, एक्यूरेसी है, यस, इंश्योर करना कि हमारा जो अकाउंट ऑफ बुक है वो एक्यूरेट है और करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि फॉरेंसिक ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। गलत है, ठीक है। सही जवाब है इसका, मैनेजमेंट ऑडिट इज़ ऑलवेज, देखिए ये सही है कि आप कोर्ट में एविडेंस के लिए एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टैक्स ऑडिट टैक्स रिटर्न का एनालिसिस है। लार्ज बोरोअर अकाउंट नॉर्मली सब्जेक्ट होता है स्टॉक और रिसीवेबल ऑडिट के लिए, और मैनेजमेंट ऑडिट हमेशा कंडक्ट किया जाता है मैनेजमेंट, ये गलत है। हमें देखिए, जब कंपनी लोन को इक्विटी में बदलती है तो इसका मतलब है कि जो पैसा लोन के रूप में दिया जा रहा है, दिया गया था, अब वो कंपनी के शेयर के रूप में दिया जा रहा है। सिंपल टर्म में लोन के बदले शेयर दिया जा रहा है, यही होता है ना, राइट? लोन के बदले क्या दिया जा रहा है? शेयर दिया जा रहा है। अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि चेंजेज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए, ऑप्शन ये कह रहा है कि एसेट और लायबिलिटी दोनों चेंज होगा, क्या लगता है? ये तो गलत है क्योंकि दोस्तों एसेट एसेट में कोई चेंज नहीं आता। ऑप्शन बी कह रहा है चेंज इन टोटल एसेट ओनली, तो ये कह रहा है कि सिर्फ टोटल एसेट ही चेंज होगा, जो गलत है क्योंकि एसेट चेंज होता ही नहीं है। फिर कह रहा है ऑप्शन सी चेंज इन टोटल लायबिलिटी, देखिए ये कह रहा है कि टोटल लायबिलिटी चेंज होते हैं, यह भी गलत है क्योंकि टोटल लायबिलिटी वैसे की वैसे ही रहती है। ऑप्शन डी कह रहा है चेंज इन लायबिलिटी बट टोटल लायबिलिटी रिमेन द सेम, तो ऑप्शन डी सही है क्योंकि जो लायबिलिटी लोन के रूप में थी अब वो इक्विटी के रूप में बदल गई। देखिए, अभी जो आपने लोन लिया था तो वो एक तरह की लायबिलिटी थी ना, ठीक है, बस उसका फॉर्म बदल गया है। अब वो किस फॉर्म में आ गया? इक्विटी के फॉर्म में बदल गया है। लायबिलिटी में चेंज आया है लेकिन टोटल लायबिलिटी तो वही का वही रहा है, राइट? तो ये ध्यान रखना है, ओवरऑल लायबिलिटी तो वही रहता है, बस फॉर्म बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। आप यदि फिक्स एसेट को परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो क्या होगा, राइट? तो फिक्स एसेट का क्रेडिट परचेज, तो देखिए फिक्स एसेट जैसे कि आपका मशीन हो गया, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मशीन ले सकते हैं या आप लैंड ले सकते हैं, राइट? तो जब आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपने फुल पेमेंट नहीं की है पर आपके पास एसेट आ गई है, यही मतलब है ना कि यू हैव नॉट मेड द फुल पेमेंट, आपने जो है उसका फुल पेमेंट नहीं किया है लेकिन एसेट जो है आपके पास आ गई है, राइट? तो इस कारण से क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि टोटल एसेट चेंज इन टोटल एसेट ओनली, ऑप्शन ए कह रहा है चेंज इन टोटल एसेट ओनली, क्या लगता है ये ऑप्शन कि टोटल एसेट बदलती है? यह गलत है क्योंकि जब आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो लायबिलिटी भी बदलती भी क्या होती है? बढ़ती है ऑब्वियसली, ठीक है, आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, ये ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही है क्योंकि जब आप फिक्स एसेट को क्रेडिट पे लेते हैं तो आपके एसेट में इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली बात है, वो जो पार्टिकुलर आइटम है वो आपके पास मिलता है तो आपका एसेट ही हुआ, राइट? और लायबिलिटी भी बढ़ता है क्योंकि अभी आपको पेमेंट करना बाकी है, तो दोनों बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चेंज इन टोटल लायबिलिटी ओनली गलत, चेंज इन टोटल लायबिलिटी गलत है, और फिर क्योंकि सिर्फ लायबिलिटी बढ़ती है ये भी गलत है क्योंकि एसेट भी बढ़ती है। ऑप्शन डी कह रहा है चेंज इन लायबिलिटी बट टोटल लायबिलिटी रिमेन द सेम, यह कह रहा है कि लायबिलिटी बढ़ती बदलती है पर टोटल लायबिलिटी वैसे ही रहती है, जो कि सही नहीं है क्योंकि लायबिलिटी आपका टोटल लायबिलिटी बढ़ रहा है, राइट? तो अभी इस स्लाइड में हमने जो दो क्वेश्चन देखे उससे की पॉइंट्स हमने क्या सीखे कि लोन को इक्विटी कन्वर्जन मतलब कि टोटल लायबिलिटी चेंज नहीं होता है, बस लायबिलिटी का फॉर्म बदलता है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा अभी
कि फिक्स एसेट को क्रेडिट पे खरीदने पर एसेट और लायबिलिटी दोनों पर कि रिपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन, ठीक है। तो यानी कि रिपेमेंट ऑफ लोन का क्या मतलब है, जब आप अपने लोन की रिपेमेंट करते हैं तो आप अपनी कैश या बैंक बैलेंस जो कि एक एसेट है उसका यूज करते हैं तो लोन चुकाने के लिए, ठीक है। तो अब यही पूछा जा रहा है कि ये क्या है, लायबिलिटी है या एसेट है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले बी की बात करते हैं, चेंज इन टोटल एसेट वाली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ टोटल एसेट बदलती है, यह गलत है क्योंकि आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो रही है। जब आप लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो भी तो घट रही है। फिर कह रहा है चेंज इन टोटल लायबिलिटी वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सिर्फ टोटल लायबिलिटी बदलती है, यह भी गलत है क्योंकि एसेट भी कम होता है, राइट, एसेट भी कम होता है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है चेंज इन लायबिलिटी बट टोटल लायबिलिटी रिमेन द सेम, यानी ये कह रहा है कि लायबिलिटी चेंज होती है पर टोटल लायबिलिटी वैसे ही रहती है, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब लोन रिपे होता है ना तो आपका पैसा कम होता है एसेट, और आपकी लोन की लायबिलिटी भी कम होती है, इसलिए दोनों चेंज होते हैं, एसेट भी और लायबिलिटी भी, राइट। फिर कह रहा है कि सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिजल्ट इन, तो गुड्स को क्रेडिट पे बेचा जा रहा है तो उस कारण से क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो जब आप गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको इमीडिएटली कैश नहीं मिलता, इसके लिए क्या करते हैं आप, आपके कैश में कोई चेंज नहीं आता है, राइट, क्योंकि इमीडिएटली आपको कैश नहीं मिल रहा है, आप उधार पे दे रहे हैं तो आपके कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपके जो रिसीवेबल हैं, जो एक तरह का एसेट है, वो बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि आप तुरंत पैसा दे नहीं रहे हैं उसको, आपका जो रिसीवेबल है, एसेट एक तरह का क्या होता है, रिसीवेबल ही होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है चेंज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, तो दोनों एसेट और लायबिलिटी चेंज होते हैं, जो कि गलत है क्योंकि लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, चेंज इन टोटल एसेट वनली, हाँ, ये ऑप्शन भी कह रहा है कि टोटल एसेट बढ़ते हैं, ये गलत है क्योंकि आपके टोटल एसेट वैसे ही रहते हैं, बस फॉर्म बदल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बस फॉर्म बदल गया, अभी जो आपके पास कैश था उसके जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी कर रहा है चेंज इन टोटल लायबिलिटी वाली, तो टोटल लायबिलिटी कर रहा है कि सिर्फ लायबिलिटी चेंज होती है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी कर रहा है चेंज इन एसेट बट टोटल एसेट रिमेन द सेम, देखिए यह सही है क्योंकि एसेट चेंज हो रहे हैं पर टोटल एसेट वैसे के वैसे ही हैं, जैसे कि कैश कम नहीं होता, राइट, और बस आपका रिसीवेबल के रूप में आ जाता है, राइट, बस कैश किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, रिसीवेबल के रूप में फॉर्म में चेंज हो रहा है, दैट्स द पॉइंट। अभी आपके पास एसेट कैश के रूप में था और आपने अभी क्या किया, उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रिसीवेबल के फॉर्म में, यानी जो भी आपने रिसीवेबल है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। ये बातें समझ में आई आपको, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने अभी तक जो पॉइंट पढ़ा एक बार रिकॉल कर ले, मेन पॉइंट। पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया कि लोन रिपेमेंट से एसेट और लायबिलिटी दोनों कम होते हैं इसलिए दोनों चेंज होते हैं, और मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि जो सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट होता है उस कारण से आपका एसेट का फॉर्म बदल जाता है, यानी रिसीवेबल बढ़ जाते हैं पर टोटल एसेट वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए अगला सवाल है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस ऑफ डैश आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कौन से अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो PL&L अकाउंट होता है ये होता क्या है। तो यह अकाउंट बताता है कि आपके इनकम क्या बताता है, आपके इनकम और आपके एक्सपेंस कितनी थी, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट या लॉस का पता चले, राइट। तो ये हमें बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ए कह रहा है एड ऑल द लेजर अकाउंट, यानी सारे लेजर अकाउंट के बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देखिए ये गलत है क्योंकि सभी लेजर अकाउंट नहीं, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर होता है, सब का लेजर अकाउंट नहीं ट्रांसफर होता, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। बी कह रहा है ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए पहले हम लोग सी और डी को देखते हैं। सी कह रहा है ओनली द टेंजिबल रियल अकाउंट एंड सम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो और डी कह रहा है कि सम इंटेंजिबल रियल अकाउंट एंड सम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए सी और डी को एक साथ देखिए आप, तो ये कहता है कि कुछ रियल अकाउंट या इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर होता है, यह भी गलत है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट का बैलेंस जाता है, रियल अकाउंट का नहीं जाता, राइट। रियल अकाउंट में आप जानते होंगे ना दो तरह का होता है, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। तो रियल अकाउंट का बैलेंस जो है हमारे PL&L अकाउंट में नहीं जाता, तो किसका अकाउंट कौन सी चीज़ का जाता है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस ही ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
सवाल आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग डिविडेंड। चलिए, डिविडेंड वो अमाउंट होता है, पहले डिविडेंड को थोड़ा समझ लेते हैं, डिविडेंड होता क्या है। तो देखिए, डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से देती है। तो ये कंपनी का मान लीजिए प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को देती है, ठीक है, और उसी पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल है कि कौन से अकाउंट का यूज किया जाता है डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए। तो आप पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करता है, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यह टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि लेकिन डिविडेंड इस अकाउंट से नहीं दिया जाता। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट इसका इससे, लेकिन डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए यह अकाउंट डायरेक्टली यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा डिविडेंड। यह अकाउंट स्पेसिफिकली बनाया गया होता है प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए, जैसे कि रिजर्व में डालना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। दो चीज़ मैंने बताया आपको, एक तो रिजर्व और एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार समराइज कर ले फैक्ट को, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है, रियल अकाउंट का नहीं ट्रांसफर होगा। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज होते हैं, जो स्पेसिफिकली प्रॉफिट को एलोकेट करने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा एंट्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बिना लेजर में बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इन लेजर इज मेड विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि पैसे का लेन देन या फिर कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी। तो बिना किसी लेन पैसे के लेन देन का, बिना किसी मॉनेटरी एक्टिविटी का कौन सा एंट्री लेजर में किया जाता है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए कर रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, यह एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि आप मटेरियल खरीद रहे हैं, राइट, आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं, यही ना करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो यह एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि आप एक मटेरियल खरीद रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन बी क्या कर रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, यह भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हैं, चाहे पेमेंट बाद में मिले, क्योंकि क्रेडिट पे बेच रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि समय पैसे का लेन देन हो रहा है, राइट, भले ही पेमेंट आपको बाद में मिले। फिर कह रहा है डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हाँ यह भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि डिस्काउंट मिलने पर आपका एक्सपेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो एक्सपेंस कम हो जाता है आपके डिस्काउंट मिलने पर। और ऑप्शन डी कर रहा है डेप्रिसिएशन, देखिए इसका सही जवाब है डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि दोस्तों डेप्रिसिएशन को पैसे का लेना देना नहीं होता, बल्कि यह एक अकाउंटिंग एंट्री है जो एसेट की वैल्यू कम होने को दिखाता है, यह एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। अभी मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उससे पैसे का लेन देन होता है, राइट, लेकिन ये जो हमारा डेप्रिसिएशन है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, इसीलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बिना ही यह लेजर में दिखाया जाता है, याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन इज सोन इन लेजर विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन सा मेथड यूज करके किया जाता है, जो कि INDAS, INDAS क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि INDAS के द्वारा अलाउ किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कौन से मेथड यूज करके किया जाता है, जो INDAS के द्वारा अलाउ किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक परमिटेड बाय INDAS, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए, हमें वैल्यूएशन किसका करना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए, INDAS काफ़ी क्लियर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेकर। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं, पहला कह रहा है इट परमिट यूज ऑफ ओनली लीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी ये कह रहा है कि सिर्फ लीफो, लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अलाउड है, ऑप्शन ये कहता है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि INDAS में लीफो को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है इट परमिट्स यूज ऑफ ओनली फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो यह कह रहा है कि सिर्फ फीफो मेथड अलाउड है, यह भी गलत है क्योंकि सिर्फ फीफो नहीं एक और मेथड भी अलाउड है। कौन सा मेथड आगे देखते हैं, इट परमिट यूज ऑफ लिफो और वेटेड एवरेज मेथड ऑल्सो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। और ऑप्शन डी कह रहा है इट इज साइलेंट अबाउट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो यह कह रहा है कि INDS इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड के बारे में साइलेंट है, यह भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि INDS कहता है कि आप फीफो या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, दोनों मेथड एक्सेप्टेड है पर लिफो एक्सेप्टेड नहीं है। आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के ये समझना है कि यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो उस केस में आप फीफो यूज करेंगे या वेटेड एवरेज यूज करेंगे, और लीफो यहाँ पे परमिसेबल नहीं है। प्लीज़ गो थ्रू इट। दोस्तों आपको यदि रिवीजन करने के लिए एक परफेक्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने हमारा AFM का कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल INIFS के कैप्सूल कोर्स से बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है, हमारे पास काउंटलेस मैसेज आए हैं, बहुत सारे लोगों को 50 से ऊपर मार्क्स आए हैं हमारे कैप्सूल कोर्स के माध्यम से, जिन्होंने लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्पफुल रोल प्ले किया था। ये स्टडी मटेरियल जिसमें आपको फॉर्मूला PDF, थ्योरी PDF, कंसाइज नोट्स के फॉर्मेट में, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में, व्हाट टू स्टडी PDF, इस प्रकार के MCQs सब कुछ मिलते हैं जिसको आप कम समय में परफेक्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस कोर्स के रिगार्डिंग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ फर्म हैज रिसीव्ड एडवांस रेंट। तो देखिए जब अपने टेनेंट से एडवांस रेंट, आपने टेनेंट से एडवांस रेंट रिसीव किया है जो कि अगले महीने के लिए है, अप्रैल का है, और आप मार्च के अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको एडजस्ट करना जरूरी है। अ फर्म हैज रिसीव्ड एडवांस रेंट फ्रॉम अ टेनेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन मार्च, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो आप हुआ क्या कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अपने टेनेंट से एडवांस रेंट रिसीव किए, कौन, किसने रिसीव किया, फर्म ने रिसीव किया जो कि अगले महीने के लिए था, अप्रैल का था, अब मार्च में ही आपको दे दिया, राइट। तो अब और मार्च के अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आप किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मार्च का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन सा एडजस्टमेंट एंट्री करना जरूरी है, ये तो करना जरूरी है। पहले ऑप्शन ए कर रहा है कि डेबिट एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी ये कह रहा है कि एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करना और रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना, यह गलत है क्योंकि एडवांस रेंट रिसीव होता है तो उसको लायबिलिटी में दिखाते हैं न कि डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यहाँ पे देखिए एडवांस रेंट रिसीव है ना, उसको डेबिट कर रहे हैं तो ये तो इनकम हो गया, इसको हम लोग लायबिलिटी में शो करते हैं। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि डेबिट रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट, कि रेंट पेबल अकाउंट को डेबिट करना जो कि इस केस में रिलेवेंट नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन बी को ठीक से भरिए, तो रेंट पेबल कर रहा है, ये तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि रेंट रिसीव को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, क्या लगता है ये ऑप्शन, रेंट यानी कि रेंट रिसीव को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो यह तब होता है जब रेंट नॉर्मल तरीके से रिसीव होता है। देखिए आपसे यदि पूछा जाए कि रेंट आपको नॉर्मल तरीके से मिला, ठीक है, तो रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट कीजिए और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ क्या हो रहा है कि आपको रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि यह रेंट जो मार्च में रिसीव हुआ है वो अगले फाइनेंशियल ईयर का है, राइट, दैट्स वाई। चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के फ्यूचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ स्पेसिफिक फ्यूचर होते हैं जो कि उन्हें एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं। आप चलिए ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंपनी की इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होती है, क्या लगता है, इट हैज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस कंपनी का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो मेंबर से अलग होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मेंबर होता है उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ये कह रहा है। तो ऑप्शन सी जो है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यह भी सही है क्योंकि मेंबर की रिस्पांसिबिलिटी कंपनी के लॉसेस तक लिमिटेड होती है। फिर कह रहा है इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कहता है कि परपेचुअल सक्सेशन होता है जो सही है, मतलब कंपनी चलते रहेगी चाहे उसका मेंबर चेंज हो जाए, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कंपनी सील इज मैंडेटरी टू बी अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए कह रहा है कि कॉमन सील का यूज़ करना, कंपनी सील का यूज़ करना मैंडेटरी है, यह गलत है क्योंकि अब कॉमन सील
क्योंकि अब इसका कारण क्या है वो समझिए, क्योंकि कॉमन सील को यूज करना मैंडेटरी नहीं है, कंपनीज एक्ट में चेंजेस के बाद कॉमन सील को होना जरूरी नहीं रहता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अब एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर ले पॉइंट को जो कि हमने पिछले दिन क्वेश्चन में कवर किए हैं, क्या क्या मेन कंसेप्ट था। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एडवांस रेंट को प्रॉपर एडजस्ट करना जरूरी होता है, और जब आप एडवांस मार्च में रिसीव होता है और अप्रैल के लिए होता है तो आपको रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट करना है और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना। अभी जो हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए उसके मेन पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि एडवांस रेंट को प्रॉपर एडजस्ट करना जरूरी होता है, और जब एडवांस मार्च में रिसीव होता है और अप्रैल के लिए होता है तो आपको रेंट रिसीव अकाउंट को डेबिट और एडवांस रेंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और दूसरी बात कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर है कि उसमें इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है और लिमिटेड लायबिलिटीज है और परपेचुअल सक्सेशन है, लेकिन ये जो कॉमन सील है ना वो अब मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल, इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसका एग्जाम्पल है। स्टेटरी कंपनी, बिल्कुल सही बात है, चार्टर्ड कंपनी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, होल्डिंग कंपनी नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ स्टेटरी कंपनी, दैट इज कॉल्ड FCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हेन कैन अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट। इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट कंपनी कब इशू कर सकती है। पहला कह रहा है ऑप्शन कि द कंपनी हैज़ नॉट बिगन कमर्शियल प्रोडक्शन, नहीं। इफ द कंपनी इज इन लॉस फॉर लास्ट 3 ईयर, ये भी नहीं होगा। इफ द शेयर्स आर इशू टू जॉन स्टॉक, ये भी नहीं। हाँ, यदि एक होता है स्वीट इक्विटी, तो शेयर को यदि हम स्वीट इक्विटी के फॉर्म में यदि हम इशू कर रहे हैं तो कंपनी उसे डिस्काउंट पे इशू करती है, इसका मतलब ये होता है डिस्काउंट पे इशू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब एक कंपनी अपने इशूड शेयर को फॉरफिट कर सकती है। तो फॉरफीचर का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर को वापस लेना जब शेयर होल्डर अपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता है। तो शेयर होल्डर ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया तो कंपनी अपने शेयर को वापस ले रही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए क्या देखता है, व्हेन द शेयर होल्डर बिकम इंसॉल्वेंट। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जब शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकती है, यह सही नहीं है क्योंकि इंसॉल्वेंसी डायरेक्टली शेयर की फॉरफीचर का कारण नहीं बनता। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि व्हेन द कंपनी इज अंडर लिक्विडेशन, तो ये कंपनी लिक्विडेशन में हो तो शेयर फॉरफिट हो सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि शेयर वंस इशूड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, यह भी गलत है क्योंकि शेयर इशू होने के बाद फॉरफिट नहीं हो सकता, ये गलत है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि व्हेन अ शेयर होल्डर डज नॉट पे ड्यू ऑन शेयर विच ही होल्ड। देखिए अगर शेयर होल्डर अपने शेयर के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करता है या बाकी ड्यूज नहीं चुकाता तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। फॉरफीचर तभी होता है जब शेयर होल्डर अपने शेयर के लिए पैसा नहीं देता, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा कथन सही है अबाउट मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ कंपनी। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सारा का सारा कंसेप्ट है, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए कंपनी का, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सबसे पहले बात है कि पेड अप कैपिटल क्या होता है। तो पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया होता है शेयर के बदले में। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, शेयर्स देती है, और बदले में जो शेयर होल्डर जो होते हैं वो अमाउंट देते हैं और टोटल अमाउंट को हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इट इज 1 लाख फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो 1 लाख का मिनिमम पेड अप कैपिटल कंपनी प्राइवेट के लिए चाहिए। पहले ये सही था लेकिन कंपनीज एक्ट के चेंजेस के कारण अब ये जरूरी नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। फिर इट इज 10 लाख फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 10 लाख पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, यह भी पहले था लेकिन अब मैंडेटरी नहीं है। इट इज 5 लाख फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 5 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, यह गलत है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल स्पेसिफाइड। देखिए अब कंपनीज एक्ट के चेंजेस के बाद कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, यही फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को दिया गया है कि वह जितना चाहे कैपिटल रेज कर सकती है विदाउट वरिंग अबाउट मिनिमम लिमिट। तो हमने अभी की पॉइंट क्या क्या कवर किए पिछले दो क्वेश्चन में। पहले हमने देखा कि शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर अपने ड्यूज का पेमेंट टाइम पर नहीं करता है, यह तब होता है जब शेयर होल्डर अपने शेयर की कॉस्ट नहीं चुकाता। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, पहले लिमिट्स होती थी लेकिन अब यह रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। दो पॉइंट हमने यहाँ अभी तक क्लियर किए। चलिए अगला सवाल क्यों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द इंटेंजिबल एसेट। बहुत बढ़िया सवाल है, इंटेंजिबल एसेट के अंदर क्या नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा।
तो इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन उनकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क। देखिए, ब्रांड्स और ट्रेडमार्क इनटेंजिबल एसेट है क्योंकि यह एक नाम या पहचान है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। राइट, नॉट क्लासिफाई, ये तो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, फिर ऑप्शन सी कह रहा है माइनिंग राइट। देखिए, माइनिंग राइट भी एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि यह एक हक होता है जो फिजिकल नहीं होता है, इसलिए लेकिन इसका वैल्यू होता है। फिर कह रहा है गुडविल। तो दोस्तों, गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है जो एक बिजनेस के रेपुटेशन और वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि दोस्तों यह फिजिकली एग्जिस्ट करता है और इस पे और आप इसे छू भी सकते हैं। राइट, टेंजिबल है, तो इसीलिए यही करेक्ट आंसर। आपसे पूछा था कौन सा इंटेंजिबल नहीं है, मतलब कौन सा टेंजिबल है, ये तो पूछ रहा है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विच फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IND-S1। दोस्तों, आपसे मैं एक रिकमेंडेशन करूंगा कि जो IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका मैंने एक ट्रिक का वीडियो बनाया है कि कौन सा IND-AS का क्या याद रखने का ट्रिक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस पर मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि जिसमें आप पूरे IND-AS को याद कर जाएंगे। लास्ट बार मैं बताऊं आपको कि 5 से 6 क्वेश्चन IND-AS से आए थे, तो समझ सकते हैं 5 6 क्वेश्चन आपके हाथ में होगा यदि आप वो एक वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उस वीडियो को देखिए, लाइफ सेवर होगा आपके लिए। ठीक है, तो सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट में नहीं है जो कि एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है एज पर IND-AS 1। तो पहला ऑप्शन कह रहा है IND-AS 1 के अकॉर्डिंग कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट सेट होता है। राइट, यही पूछा जा रहा है, और उसमें से लिस्ट में क्या नहीं होता। पहला कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और यह बताता है कि इक्विटी में किस तरह के चेंजेस आए हैं। फिर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो देखिए, यह भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट देता है। फिर कह रहा है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। तो ये कह रहा है कि ये भी जरूरी होता है ताकि हम देख सकें कि कंपनी पिछले ईयर के मुकाबले कैसा परफॉर्म की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एसेट फॉर द पीरियड। देखिए, इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एसेट को IND-AS में स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक बार की पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, गुडविल, ब्रांड एक्सेट्रा, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर एक टेंजिबल एसेट होता है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि IND-AS 1 के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी चेंज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, ये सभी जरूरी होती है, लेकिन एसेट के चेंज का स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी द ट्रेड रिसेबल आर रिक्वायर्ड इनटू सब क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि बैलेंस शीट में ट्रेड रिसेबल की कैटेगराइजेशन के बारे में है। अब वो ट्रेड रिसेबल होता क्या है पहले ये बताइए। तो ट्रेड रिसेबल क्या होता है, ट्रेड रिसेबल वो अमाउंट होता है जो कंपनी को कस्टमर से मिलना है। तो ये कंपनी है और ये है हमारे कस्टमर, तो ये जो पैसा है इसको मिलना है कंपनी को, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसेबल। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड। आपको क्या बोला गया है कि 3 कैटेगरी होता है, तो ये तो एक कॉमन कैटेगरी है जो बताता है कि यह रिसेबल उन्हें मिलना है जिनकी पेमेंट होने की अच्छी उम्मीद है, लेकिन यह सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा उम्मीद है कि हम पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं है, तो होगा डाउटफुल। यह भी कैटेगरी उन रिसेबल को दर्शाता है जिनकी रिकवरी में डाउट है, यह भी एक वैलिड कैटेगरी है। ऑप्शन सी कह रहा है सिक्योर्ड कंसिडर गुड। तो देखिए, यह वो रिसेबल है जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट है और इनकी रिकवरी की अच्छी उम्मीद है। लेकिन ऑप्शन डी जो है लॉस, लॉस ऐसा कुछ नहीं होता, लॉस एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं है ट्रेड रिसेबल के लिए, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि लॉस की कोई अलग कैटेगरी नहीं होती ट्रेड रिसेबल में। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सा है, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड, डाउटफुल एंड सिक्योर्ड कंसिडर गुड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि IND-AS, हाँ ये पिछली बार पूछा था 110, IND-AS 110 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि आपको किन एंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ताकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकें। राइट, तो सबसे पहले ये बात को समझिए कि ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये होता क्या है। देखिए, ये उन एंटिटीज़ के लिए बनाते हैं जो दूसरी एंटिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कंट्रोल। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि सारी कंपनी को एक जैसा डिवीजन रखती है,
कह रहा है कि ऑल कंपनी हैविंग मोर देन वन डिवीजन, जिसके पास जो एक से ज़्यादा डिवीजन रखती है उन्हें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्या लगता है? ये गलत है, क्योंकि सिर्फ डिवीजन होने से कंसोलिडेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है? तो कंसोलिडेटेड का मैंने आपको मतलब बताया ना कि उन एंटिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं जो दूसरे एंटिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फिर कह रहा है ऑल गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑल गवर्नमेंट कंपनी भी गलत है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट कंपनीज को कंसोलिडेटेड नहीं करनी होती। फिर कह रहा है एंटिटीज दैट कंट्रोल, अच्छा ऑप्शन डी देखते हैं, ऑल द कंपनी दैट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यह कह रहा है कि सभी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर दिखाना पड़ेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है एंटिटी दैट कंट्रोल वन और मोर एंटिटी। बताइए एंटिटी जो एक से ज़्यादा कंपनी को कंट्रोल करेगा, तो देखिए क्योंकि वो एंटिटी जो एक से ज़्यादा दूसरी एंटिटी को कंट्रोल करता है उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो हमने दो पॉइंट अभी इस स्लाइड में दो क्वेश्चन किए हैं। पहला मैंने बताया कि ट्रेड रिसेबल को बैलेंस शीट में तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड, डाउटफुल एंड सिक्योर्ड कंसिडर गुड, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि INDS 110 के अकॉर्डिंग सिर्फ उन एंटिटीज़ को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है जो एक से ज़्यादा अदर एंटिटी को कंट्रोल करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट के बारे में, तो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए कर रहा है अर्निंग पर शेयर, तो ये स्टेटमेंट का हिस्सा होता है, ये शेयर होल्डर को बताता है कि उन्हें कितना प्रॉफिट मिल रहा है एक शेयर के लिए, ठीक है। तो ये तो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT बोलते हैं इसको, तो ये भी जरूरी है क्योंकि यह प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि टैक्स देने के पहले होता है। फिर कह रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि पीरियड के दौरान कंपनी का क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। फिर कह रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो, तो यह इस फॉर्मेट का हिस्सा नहीं होता, यह एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कंपनी के शेयर प्राइस को उसके अर्निंग से कंपेयर करता है, राइट। लेकिन इस स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इक्विटी अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये सब के सब हमारे EPS के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। तो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बायबैक, अच्छा एक मिनट, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉलोइंग कंसिडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और तीसरा है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। तो इसमें सही जवाब है परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, ठीक है। पहले हम लोग इस स्लाइड को करते हैं फिर हम लोग इस पे आते हैं। हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने के लिए इसमें किसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी माना जाता है, बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक का मतलब है कि जब कंपनी अपने शेयर मार्केट से वापस खरीदती है, यह एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। कैसा एक्टिविटी है ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देखिए तीन तरह की एक्टिविटी होते हैं, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब हम शेयर का बायबैक खरीदते हैं ना, बायबैक का मतलब जब कंपनी अपने शेयर मार्केट से वापस खरीदती है, तो यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है क्योंकि कंपनी अपने पैसे अपने शेयर में लगा रही होती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है कि कंपनी अपने लोन को वापस कर रही है। डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है, तो जब हम लोन वापस करते हैं तो यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, न कि इन्वेस्टमेंट, इसलिए यह भी गलत ऑप्शन है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यह तो क्लियरली बिजनेस का मेन काम है जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर आता है, राइट। तो यह ऑप्शन भी गलत है। डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, डिस्पोजल का मतलब है कि बेचना या खत्म करना। जब आप मशीनरी बेचते हैं तो यह एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है क्योंकि मशीनरी एक एसेट है, और जब आप एसेट को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है। अब आप वापस इन दोनों क्वेश्चन पे आ जाइए, वन और टू पे, अब आप बता सकते हैं तुरंत। बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, तो ये जो है हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्विजिशन ऑफ मशीनरी जो है हमारा इन्वेस्टिंग होता है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, सो ये हमारा क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिवेंचर इशू, तो डिवेंचर इशू या लोन इशू, राइट। तो लोन का जो इशू होगा वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन को रिपे कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
तो समझ में आया। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सा, ये पूछ लेगा, फ्रेश कैपिटल, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, फ्रेश कैपिटल होगा, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड। अब देखिए एक सवाल है, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, सोर्स ऑफ फंड है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज इन फिक्स एसेट। देखिए जब आप फिक्स एसेट बढ़ाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग हो गया एग्जांपल, फिक्स एसेट का एग्जांपल क्या है, बिल्डिंग हो गया या कोई मशीनरी है, या मान लीजिए मशीनरी खरीदते हैं तो अब आपका पैसा खर्च होता है, आप फंड यूज कर रहे हो ना कि कमा रहे हो, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। यहाँ क्या कह रहा है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट। फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो देखिए इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब कि आपके ज़्यादा माल स्टॉक में है, राइट, इसका मतलब आपका पैसा स्टॉक में फंस गया है, यह भी बिग फंड का इशू है ना, तो इसका इसका तो यह ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि आपका उधार बढ़ गया है, करंट लाइबिलिटी यही होता है ना कि आपका उधार बढ़ गया, जैसे कि क्रेडिटर या बिल पेबल, ठीक है। तो जो आपका क्रेडिटर है या जो आपके बिल पेबल हैं, राइट, तो अब अगर आप ज़्यादा उधार ले रहे हैं तो यह फंड का सोर्स है, क्योंकि अभी आपको रिपे करना बाकी है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हमारा सही जवाब है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ज़्यादा उधार ले रहे हैं तो आपको पेमेंट भी तो करना होगा, ठीक है। तो यही क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। आप लास्ट ऑप्शन कर रहा है डिक्रीज इन, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे मान लो कि आपने माल खरीदा उधार पे, तो अभी आपको पैसा देना बाकी है, लेकिन तब तक आपका पैसा कैश अवेलेबल है, तब तक आपके पास कैश अवेलेबल है, तो यह करंट लाइबिलिटी बढ़ना आपके लिए एक टेम्पोररी सोर्स ऑफ फंड बन गया। फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज इन कैपिटल। तो देखिए कैपिटल कम होने का मतलब है कि आपके फंड कम हो गए, तो ऑब्वियसली यह फंड का सोर्स तो नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, जैसे कि फिक्स एसेट आपका बढ़ रहा है, तो फिक्स एसेट बढ़ रहा है तो क्या हुआ, तो आप फंड यूज कर रहे हैं ना कि उसे कमा रहे हैं, तभी तो आपका फिक्स एसेट बढ़ रहा है। फिर कह रहा है कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है कि आपने ज़्यादा माल स्टॉक में रखा है, इसका मतलब कि आपका पैसा स्टॉक में फंस गया है, राइट, और अब यह फंड यह भी फंड का यूज है ना कि सोर्स का यूज है, तो फंड का यूज ही तो है आपका, ठीक है। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो मतलब कि आप उधार ज़्यादा ले रहे हैं, राइट, तो ये क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा। चलिए तो अभी 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 हमने दो पॉइंट देखे, पहले मैंने आपको बताया कि डिस्पोजल ऑफ मशीनरी की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अभी हमने देखा है, राइट, क्योंकि मशीनरी एक एसेट है और एसेट बेचना या खरीदना कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। और हमने अभी ये भी देखा कि करंट लाइबिलिटी का जो बढ़ना होता है वो क्या है, वो एक सोर्स ऑफ फंड होता है, क्योंकि उधार लेने से आपको टेम्पोररी फंड मिलते हैं। देखिए सोर्स ऑफ फंड मतलब फंड जहाँ से मिल रहा है, और बाकी तीनों केस में चाहे आपका फिक्स एसेट बढ़ रहा हो वहाँ पर आप कैश दे रहे हैं, चाहे आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा हो तो वहाँ पर आपका कैश जो है स्टॉक में लगा हुआ है, चाहे आपका कैपिटल घट रहा हो, तो कैपिटल घट रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने फंड आपके फंड कम हो गए हैं। चलिए अब अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यूज ऑफ फंड है, ये पूछा जाता है बराबर, सोर्स ऑफ फंड यूज ऑफ फंड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन कैपिटल। अब सोचिए कि जब कैपिटल बढ़ने का मतलब है कि आपने अपना पैसा कंपनी में आपका पैसा कंपनी में बढ़ गया, यह फंड का सोर्स है होता है ना कि यूज का ना कि यूज ऑफ फंड होता है, दिस इज अ सोर्स ऑफ फंड, राइट, आपके फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, तो यह ऑप्शन गलत है। बी कह रहा है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अभी हमने देखा है करंट लाइबिलिटी बढ़ना मतलब हम ज़्यादा उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब करंट लाइबिलिटी बढ़ती है मतलब ज़्यादा उधार ले रहे हैं, तो यह फंड का सोर्स होता है ना कि यूज का, तो यह भी नहीं होगा। फिर कह रहा है इंक्रीज इन टर्म लोन। देखिए टर्म लोन बढ़ने का मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म लोन मिल रहा है, यह भी फंड का सोर्स होता है, क्योंकि आपको लोन के फॉर्म में पैसा मिल रहा है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है इंक्रीज इन रिसीवेबल। बताइए इंक्रीज इन रिसेबल में क्या होगा। देखिए रिसेबल बढ़ने का मतलब है कि आपका पैसा कस्टमर के पास अटका हुआ है, राइट, रिसेबल मतलब ये होता है ना कि आप देखिए जैसे कि एक होता है पेबल जो कि आपको पेमेंट करना है बाद में, रिसेबल मतलब कि आपका पैसा कस्टमर के पास अटका हुआ है, आपने माल दे दिया है या सर्विस प्रोवाइड कर दिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो यह फंड का यूज है क्योंकि आपका कैश फ्लो में रोक लग गई है, राइट, क्योंकि वो पैसा दे नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब है, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन रिसेबल, क्योंकि ये क्या है हमारा यूज ऑफ फंड है, राइट, तो यह फंड का यूज है क्योंकि आपका कैश फ्लो में रोक लग गई है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख का माल बेच दिया उधार पे लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला, तो यह रिसेवेबल है और यही फंड का यूज है क्योंकि पैसा अभी आपके हाथ में नहीं आया है, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है सब्सिडरी बुक नहीं माना जाता बैंक में।
पहला है करंट अकाउंट लेजर। देखिए यह तो बिल्कुल सब्सिडरी बुक है क्योंकि हर बैंक का करंट अकाउंट कस्टमर के अलग अलग रिकॉर्ड होता है, राइट, फिर कस्टमर के अलग अलग रिकॉर्ड होता है, ये ध्यान रखना है। तो करंट अकाउंट लेजर तो बिल्कुल सब्सिडरी बुक है। फिर कह रहा है जनरल लेजर, तो जनरल लेजर एक ओवरऑल रिकॉर्ड होता है जो मेन अकाउंटिंग बुक, जिसे मेन अकाउंटिंग बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन अकाउंटिंग बुक बोलते हैं, राइट। तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन का समरी आता है, लेकिन यह सब्सिडरी बुक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन भी सही जवाब है, ठीक है। लोन लेजर, लोन लेजर का मतलब क्या हुआ, यह भी सब्सिडरी बुक होती है जो सिर्फ लोन के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज लेजर, तो यह भी सब्सिडरी बुक होता है जो बिल डिस्काउंटेड और परचेज किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि जनरल लेजर को हम मास्टर बुक कहते हैं जिसमें सारी अकाउंटिंग एंट्री समराइज होती है, जबकि सब्सिडरी बुक जैसे कि करंट अकाउंट लेजर, लोन लेजर डिटेल्स के साथ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करते हैं। चलिए अगला सवाल है स्केड्यूल टैंक, जिसे सवाल बराबर आता है, जो हमारा बैलेंस शीट होता है जो उसका स्केड्यूल टैंक जो है कि स्केड्यूल टैंक किस चीज़ का डिटेल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है फिक्स एसेट, देखिए स्केड्यूल टैंक जो है बैंक के बैलेंस शीट में फिक्स एसेट का डिटेल दिखाता है। अब जैसे फिक्स एसेट में क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, तो ऑप्शन ये सही जवाब है, करंट एसेट नहीं होगा, करंट एसेट नहीं होगा क्योंकि करंट एसेट स्केड्यूल 11 में, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, स्केड्यूल 10 है फिक्स एसेट, स्केड्यूल 11 है करंट एसेट, और इन्वेस्टमेंट जो है स्केड्यूल 8 में आता है, और अदर एसेट भी जो है हमारा स्केड्यूल 11 में होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, स्केड्यूल 10 में यदि पूछा जाए तो फिक्स एसेट बोलिएगा, और यदि आपको करंट एसेट बोला जाए तो 11 में बोलिएगा, इन्वेस्टमेंट बोला जाए तो 8 में बोलिएगा, ये सब स्केड्यूल याद कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, 10 में क्या आएगा, फिक्स एसेट आएगा, 11 में क्या आएगा, करंट एसेट आएगा या अदर एसेट आएगा, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। चलिए जैसे मान लीजिए कि एक बैंक के पास एक बिल्डिंग है, वो खुद यूज करता है, या फिक्स एसेट होता है ना, तो स्केड्यूल 10 में बिल्डिंग का वैल्यू मेंशन किया रहेगा बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन एक आ रहा है कंसेशनल रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, क्या लगता है ये ऑप्शन, तो ये गलत है क्योंकि रिबेट ऑन बिल का कंसेशनल रेट या प्रायोरिटी सेक्टर से कोई लेना देना होता ही नहीं है। फिर कह रहा है रिबेट प्रोवाइडेड टू प्रायोरिटी कस्टमर ऑफ द बैंक, यह भी सही नहीं है, रिबेट का मतलब प्रायोरिटी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देना होता है। ऑप्शन सी कह रहा है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, समझिए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, क्या मतलब होता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, क्यों, क्योंकि दोस्तों जब बैंक किसी बिल को डिस्काउंट करता है, डिस्काउंट करता है बैंक, लेकिन मैच्योरिटी से पहले पैसा रिसीव करने तक का डिस्काउंट कैलकुलेट करता है तो उसको रिबेट कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब बैंक किसी बिल को डिस्काउंट करता है, मैच्योरिटी से पहले पैसा रिसीव करने तक का डिस्काउंट कैलकुलेट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ये डिस्काउंट वाला। फिर कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक बिल ऑफ डिस्काउंट करवाए हैं आप 6 महीने में मैच्योर होगा, लेकिन आपको 4 महीने बाद पेमेंट मिल गया, अब ये जो 2 महीना है ना, उस 2 महीना में क्या होगा, उस 2 महीना का रिमेनिंग डिस्काउंट है, राइट, तो उसको हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस शोन इन वन ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या नहीं आता, पहला कह रहा है लॉ चार्ज, देखिए लॉ चार्ज तो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, सो दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और बैंक को लीगल मैटर के लिए लॉ चार्जेस होते हैं। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि हमारा प्रिंटिंग नेसेसरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही, ये भी सही आंसर नहीं है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉट इंक्लूड, नॉट लिखा हुआ है, पेमेंट टू एम्प्लॉय, तो पेमेंट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को सैलरी देना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है क्योंकि यह बैंक को डेली बेसिस पे काम के लिए जरूरी खर्चा है। और फिर कह रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं, या बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इसको हम लोग नहीं डालते हैं, राइट, और यह एक फाइनेंशियल कॉस्ट होती है जो अलग से कैलकुलेट की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बैंक को अपनी लोन या डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। जैसे कोई बैंक का लोन है, कोई बैंक का डिपॉजिट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हमारा प्रिंटिंग है, जो स्टेशनरी है, जो लॉ चार्जेज है, जो एम्प्लॉय की पेमेंट, डेली ऑपरेशन का खर्चा है, ये सब के सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं, राइट। तो इसका
सही जवाब क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। अगला सवाल है कि बैंक जो इंटरेस्ट अर्न करती है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के किस स्केड्यूल, देखिए ये स्केड्यूल अच्छे से देख के जाइए, अभी मैंने आपको चार स्केड्यूल के बारे में पहले स्लाइड में बताया था, याद है कि नहीं। दस में क्या बोलते हैं, दस में हम लोग अभी मैंने आपको बताया है कि स्केड्यूल दस, यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लीजिए आप, ये देखिए लेट मी शो यू, ये देखिए ये फिक्स एसेट है ना, फिक्स एसेट के स्केड्यूल दस, करंट एसेट स्केड्यूल ग्यारह, अदर एसेट स्केड्यूल ग्यारह, इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल आठ। अब देखिए एक और सवाल है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से स्केड्यूल में बैंक जो इंटरेस्ट अर्न करती है वो उसको शो किया जाता है, राइट। अच्छा अभी तक हमने दो पॉइंट सीखे कि हमारा जो बिल डिस्काउंटेड पे रिवेट होता है, इसका मतलब कि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जो मैच्योरिटी से पहले पैसे मिलने पर बचा हुआ डिस्काउंट होता है, और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होता क्योंकि यह फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। चलिए एक इस सवाल को देखते हैं कि इस जो इंटरेस्ट बैंक अर्न करती है उसको कौन से स्केड्यूल में शो किया जाता है। पहला आंसर है स्केड्यूल थ्री, स्केड्यूल थर्टीन, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न बाय अ बैंक जो कि बैंक का इनकम का एक मेजर पार्ट होता है वो स्केड्यूल 13 में दिखाया जाता है। ऑप्शन स्केड्यूल 14 क्या है, तो देखिए स्केड्यूल 14 में क्या आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, क्या आता है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि जो भी हमारा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, एक तो हमारा खर्चा हो गया ठीक है, और एक हमारा गेन हो गया ठीक है, तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है उसके उसी को हम लोग बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो स्केड्यूल 14 में क्या होता है, स्केड्यूल 14 में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आता है, स्केड्यूल 15 में बैंक की अदर इनकम दिखाते हैं, बैंक का क्या दिखाते हैं, अदर इनकम दिखाते हैं, और स्केड्यूल 16 में क्या होता है, बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि बैंक जब भी लोन देती है तो उस पर जो इंटरेस्ट कमाती है वह स्केड्यूल 13 में आता है। जैसे आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया तो उस पर जो बैंक इंटरेस्ट, बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट अर्न कैटेगरी में जाता है। अगला सवाल है कंप्यूटराइज बैंक में हम क्या करना चाह रहे हैं। पहला कह रहा है वी शुड चेंज आवर पासवर्ड एटलीस्ट वंस अ मंथ, हमें कंप्यूटराइज एंड बैंकिंग एनवायरनमेंट में अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए ताकि सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कह रहा है नॉट शेयर आवर पासवर्ड विद एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांस, ये ऑप्शन भी सही होता है होता है, लेकिन हमें हर महीने पासवर्ड चेंज करना इम्पॉर्टेंट है ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम के कारण इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज, हाँ ये देखिए कोर बैंकिंग तो आप जानते ही हैं, प्रत्येक बैंक का सर्वर होता है जो कि सर्वर से कनेक्टेड होता है सेंट्रलाइज डेटा सेंटर में। इनमें से कौन सा कोर बैंकिंग का बेनिफिट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द कोर बैंकिंग, इट सपोर्ट मल्टी करेंसी ऑपरेशन, इट प्रोवाइड 24/7 ऑपरेशन। देखिए ये जो कह रहा है ना कि बैंक का प्रॉफिट बढ़ा जाता है कस्टमर है चार्ज एक्स्ट्रा फॉर कोर बैंकिंग, ये गलत है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रिगार्डिंग पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंट्री, देखिए बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग एंट्री के फॉर्म में कैप्चर किया जाता है। फिर कह रहा है कि इट ऑफर हाई बेनिफिट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एक मेजर बेनिफिट है स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि कंप्यूटर काम जल्दी और गलती के बिना करता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हायर कॉस्ट एज कम्पेयर टू ह्यूमन लेबर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, देखिए यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑल दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में लेबर के मुकाबले अदर डिपॉजिट होते हैं। तो देखिए ये तो ऑफर बेनिफिट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये गलत है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा गया है आपसे, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन और कैप्चर इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंट्री पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटराइज इट ऑफर बेनिफिट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी ये बिल्कुल सही बात है, हायर कॉस्ट एज कम्पेयर टू ह्यूमन लेबर इज डिसएडवांटेज ऑफ इट, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है ज़्यादा होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, लॉन्ग टर्म में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में लेबर के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है गलत है, राइट। फिर कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर यूज इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है यह भी सही है क्योंकि आजकल सब कंप्यूटर डिजिटल हो गए हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज नहीं है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ फॉर ऑपरेशन, देखिए यह एक डिसएडवांटेज होता है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज, कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। फिर कह रहा है कि कॉस्टली कंप्यूटर पर पेरिफेरल एंड स्टॉक अकाउंट, यानी कह रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको कॉस्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो कि एक डिसएडवांटेज है, तो यह प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है यह प्रॉब्लम भी गलत नहीं है,
फिर कह रहा है कि रेगुलर बैकअप इज़ रिक्वायर्ड इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो यह भी एक डिसएडवांटेज है, अगर आपको डेटा लॉस से बचना है तो रेगुलर बैकअप करना पड़ेगा। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, व्हाट इज ऑप्शन डी से लेट्स सी। ऑप्शन डी कह रहा है सिक्रेसी ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन इज लॉस्ट। तो देखिए यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डेटा इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि कस्टमर के ट्रांजेक्शन को वैसे खुद को सिक्योर रखता है। तो ऑप्शन डी गलत है और यही करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन डी गलत है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी दोस्तों इनमें से कौन सा अप्रोच जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता है, नहीं होता है ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है नेट इनकम अप्रोच, बी है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, सी है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच और डी है अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। क्यों, देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। जो हमारा नेट इनकम अप्रोच होता है, वो नेट इनकम अप्रोच का यूज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों इसका यूज, इट इज यूज फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के रिलेटेड डिसीजन के लिए हम लोग नेट इनकम अप्रोच का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। जहाँ तक बात है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच की, तो ये एक कॉमन तरीका है और जिसमें हम बॉन्ड यील्ड को रिस्क प्रीमियम के साथ ऐड करके इक्विटी का कॉस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, नाम में लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड यील्ड को किस में ऐड करते हैं, इसमें बॉन्ड यील्ड को रिस्क प्रीमियम के साथ, ठीक है। बॉन्ड यील्ड में हम लोग रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं और हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच की बात करें तो यह भी वाइडली यूज मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं कि डिविडेंड का जो ग्रोथ रेट है, नाम में लिखा हुआ है, डिविडेंड के ग्रोथ रेट का यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालते हैं। और अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच में हम प्राइस और अर्निंग के रेशियो का यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो नेट इनकम अप्रोच है इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज होता है, रादर ये कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। चलिए अब अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल पोजीशन और सीएपीएम। तो देखिए दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन पे ये सवाल है, इसका सही जवाब है सीएपीएम, यानी कैपिटल एसेट प्राइस मॉडलिंग। तो समझते हैं हर एक पॉइंट को। आपको पता ही होगा कि जो हमारा नेट इनकम अप्रोच है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, दोनों काम आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये अप्रोच बताता है कि डेब्ट और इक्विटी का बैलेंस कैसे रखा। ऑब्वियसली कैपिटल स्ट्रक्चर इसी से डील करता है, क्या डेब्ट और इक्विटी का बैलेंस क्या है। जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल पोजीशन की, तो वो भी एक पुराना मॉडल है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में मदद करता है। लेकिन जो हमारा सी ए पी एम है, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडलिंग है, ये मेनली क्या करता है कि जो आपका रिस्क है और जो आपका रिटर्न है, रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए ये यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या है, सही है, यानी कि सी ए पी एम का हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के लिए यूज नहीं करते। चलिए अगला सवाल है, तो आपने एक चीज़ देखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अप्रोच यूज होता है, नेट इनकम अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए नहीं होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए सीएपीएम का यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक टैक्स शील्ड है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट, इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपोजिट, ऑल ऑफ द अबव, क्या लगता है बताइए। चलिए तो देखिए जब हम पहले समझते हैं इसका सही इसके आंसर क्या है। ये देखिए जब हम इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड देते हैं, मतलब बॉन्ड पे जब इंटरेस्ट देते हैं, तो यह टैक्स डिडक्टेबल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड जो होता है ना, वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है, राइट, ठीक है। तो टैक्स डिडक्टेबल होता है, यानी कि आपको इस पर टैक्स का फ़ायदा मिलता है। मतलब टैक्स डिडक्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि टैक्स एडवांटेज आपको मिलता है इस पर, राइट। टैक्स डिडक्टेबल मतलब क्या हुआ कि आपको इसका टैक्स एडवांटेज मिलता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड टैक्स शील्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल टैक्स शील्ड, ठीक है। जहां तक बात है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो ये इन सभी डिपॉजिट पर भी टैक्स शील्ड मिलता है। मतलब इन पेमेंट को अपनी टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकते हैं आप। टैक्स डिडक्शन मतलब यही नहीं हुआ कि आपका जो इनकम है उसमें से आप टैक्स को इतना टैक्स को माइनस कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम को, ठीक है, अपने टैक्सेबल, आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से ये माइनस कर सकते हैं, यानी ये है। तो आपने क्या देखा कि इसलिए जो सभी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, चाहे बॉन्ड पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा हो या आपको फिक्स डिपॉजिट या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, सबका सब एक टैक्स शील्ड की तरह काम करता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा कथन सही है, चलिए समझते हैं। पहला कह रहा है कि रिटेन अर्निंग ऑफ अ फर्म हैव नो कॉस्ट वाइल अराइविंग एट WACC। देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिटेन अर्निंग का भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। रिटेन अर्निंग ऑल्सो हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
राइट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो इज देयर प्रेजेंट विद रिटर्न अर्निंग। फिर अगला ऑप्शन कह रहा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस WACC। तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गलत है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट एक्चुअली क्या करता है, आपके WACC को बढ़ाता है, राइट। फिर कह रहा है कि नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर कह रहा है कि टैक्सेशन इज नॉट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए यह भी गलत है, क्योंकि टैक्सेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो होता है ना, जनरली डेब्ट से ज़्यादा होता है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी होल्डर को ज़्यादा रिस्क होता है तो वो ज़्यादा रिटर्न मांगते हैं, समझ में आया। तो ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर दैन द कॉस्ट ऑफ द डेब्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट सब प्रोवाइड करते हैं टैक्स शील्ड, और WACC के केस में इक्विटी का कॉस्ट डेब्ट से ज़्यादा होता है। तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेथड है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। पहला है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। इसमें क्या कैलकुलेशन होता है, सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट का ही कैलकुलेशन होता है, इट डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। तो और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि आज और फ्यूचर की वैल्यू को सेम ट्रीट करता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है आज का वैल्यू या फ्यूचर का वैल्यू सेम ट्रीट करेगा। फिर है हमारा पे बैक पीरियड मेथड, तो यह भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। इसमें हम सिर्फ यह देखते हैं कि हमारा पैसा कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, यानी हम क्या देखते हैं, रिकवरी टाइम देखते हैं, वी सी आवर अमाउंट विल रिकवर हाउ मच टाइम। फिर ऑप्शन नेक्स्ट कर रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी एडवांस मेथड है जो फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करता है, और यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो डी तो नहीं होगा, ऑल ऑफ देम नहीं होगा, कि बाकी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। क्या मतलब होता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगता है, बिल्कुल सही बात है। इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द लैंडर एज इज फंड गेट एज्योर्ड। तो देखिए ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लैंडर के लिए रिस्क कम नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है और अनसर्टेनिटीज़ भी होती है। तो ये जो कह रहा है इट रिड्यूसेस द रिस्क कम नहीं होता है कभी। फिर कह रहा है नॉर्मली द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज हाई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई होता है क्योंकि इन प्रोजेक्ट में ज़्यादातर पैसा डेब्ट से लिया जाता है, ज़्यादातर पैसा लोन लिया जाता है, दैट्स वाई डी आर इज हाई। और कह रहा है इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस यूजली लॉन्ग, बिल्कुल सही बात है, एक प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर पूरा होने तक काफ़ी वक्त लगता है। तो हमने क्या देखा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि रिस्क कम नहीं होता, रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। चलिए आगे बात करते हैं। इनमें से अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय एन एंटरप्राइज। तो देखिए सवाल, तो हमने दो पॉइंट अभी सीखा। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कंसीडर करते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारा IRR मेथड है वही केवल टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है। और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें रिस्क कम होने की जगह कभी कभी बढ़ भी सकता है, राइट। तो ये दो पॉइंट हमने देखा यहाँ पे। अगला सवाल है इनमें से कौन सा जो है सोर्स ऑफ फंड नहीं है फिक्स एसेट के कॉस्ट को मीट करने के लिए बाय एन एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड टू मीट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ, मतलब कि कोई इंटरप्राइज है वो फिक्स एसेट परचेज कर रहा है, तो फिक्स एसेट को परचेज करने का जो कॉस्ट है उसका कौन सोर्स ऑफ फंड नहीं है, ये सवाल है, ठीक है। पहला ऑप्शन कर रहा है क्रेडिट बाय सप्लायर ऑफ एसेट। देखिए मतलब क्या हुआ, समझिए कि कोई सप्लायर है वो क्या कर रहा है, वो आपको क्रेडिट पर एसेट देता है, क्रेडिट मतलब उधार में एसेट देता है, तो क्या ये सोर्स ऑफ फंड माना जाएगा, तो ऑब्वियसली माना जाएगा, ये दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फंड। फिर कर रहा है इंटरनल एक्रूवल। तो इंटरनल एक्रूवल क्या होता है कि इंटरप्राइज के खुद का कमाया हुआ पैसा होता है जो फिक्स एसेट खरीदने के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब क्या होता है, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसे भी फिक्स एसेट खरीदने के लिए फंड मिलते हैं। और फिर कह रहा है DPG। तो ऑब्वियसली बात है डिवेंचर एक तरह का बॉन्ड ही तो होता है, तो पैसा को कंपनी क्या करेगी, फिक्स एसेट को यूज़ कर सकती है खरीदने में। और DPG क्या होता है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ये समझिए। अब डेफर्ड पेमेंट गारंटी का मतलब ये होता है कि पेमेंट अभी आपको नहीं मिलने वाला है, आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगा, यू विल गेट पेमेंट इन फ्यूचर, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं DPG।
तो देखिए डीपीजी बेसिकली फ्यूचर पेमेंट के लिए गारंटी देता है, लेकिन यह फिक्स एसेट परचेज का डायरेक्ट फंड का सोर्स नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, डीपीजी। डीपीजी इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय एन एंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रेशियो है जो कि रिपेमेंट कैपेसिटी बताता है एक बोरोवर का एक टर्म लोन के लिए, ठीक है? तो बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही होता है क्विक रेशियो। तो ऑब्वियसली बात है, क्विक रेशियो क्या मेजर करता है? लिक्विडिटी मेजर करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिपेमेंट कैपेसिटी की, तो ये तो नहीं होगा। फिर कर रहा है टी ओ एल अपॉन टी एन डब्ल्यू, यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टोटल इंटेंजिबल नेटवर्थ। अब देखिए क्या मैंने बताया, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपॉन टेंजिबल नेट वर्थ। अब ये रेशियो क्या बताता है समझिए, तो यह रेशियो बताता है कि कंपनी कितने लायबिलिटी के अगेंस्ट कितनी नेटवर्थ होल्ड करती है, कंपनी कितने लायबिलिटी के अगेंस्ट कितनी नेटवर्थ होल्ड करती है। लेकिन यह भी डायरेक्ट रिपेमेंट कैपेसिटी का इंडिकेटर नहीं है। फिर कह रहा है डीएससीआर। देखिए बिल्कुल सही बात है, डीएससीआर इसका सही जवाब होगा। डीएससीआर बोरोवर के रिपेमेंट कैपेसिटी का एक सॉलिड इंडिकेटर है। यह बताता है कि बोरोवर के पास कितना कैश फ्लो अवेलेबल है अपनी डेब्ट को टाइमली रिपे करने के लिए, ठीक है? इसीलिए यह टर्म लोन का रिपेमेंट कैपेसिटी को डायरेक्टली दिखाता है, मतलब बोरोवर के पास कितना फंड अवेलेबल है, कैश फ्लो अवेलेबल है, ताकि वो अपने डेब्ट को टाइमली रिपे कर सके। और डी आर होता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो देखिए यह बताता है कि कंपनी का डेब्ट और इक्विटी का रेशियो क्या है, लेकिन रिपेमेंट की कैपेसिटी को एक्यूरेटली नहीं दिखाता। तो हमने क्या समझा कि डीपीजी डायरेक्टली फिक्स एसेट के लिए सोर्स ऑफ फंड नहीं होता है, इसे पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। और दूसरा पॉइंट ये देखा कि डीएससीआर वो रेशियो है जो कि एक बोरोवर की रिपेमेंट कैपेसिटी को एक्यूरेटली मेजर करता है। ये कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें। फ्रेंड्स आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको इस प्रकार की कंटेंट की रिक्वायरमेंट है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो हमारा कैप्सूल कोर्स है जिसमें सारा पीडीएफ अवेलेबल है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है कैप्सूल कोर्स का, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे ऐप पर, जिसपे आपको जिससे आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। अगला सवाल है, इफ द रिपेमेंट पीरियड ऑफ एन एग्जिस्टिंग टर्म लोन इज इंक्रीज, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन डीएससीआर। बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल ये कर रहा है कि मान लीजिए कि हमारे कोई एग्जिस्टिंग टर्म लोन है, उसका रिपेमेंट पीरियड हम बढ़ा देते हैं, तो डीएससीआर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले डीएससीआर होता क्या है ये समझ लीजिए। डीएससीआर होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। अभी मैंने बोला था ना कि रिपेमेंट कैपेसिटी को बोरोवर को इंडिकेट करने के लिए डीएससीआर का यूज होता है। तो ये रेशियो क्या बताता है कि कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है कि अपने डेब्ट या लोन की रिपेमेंट के लिए, ठीक है? तो कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है, हाउ मच मनी इज अवेलेबल टू रिपे द लोन एंड डेब्ट। तो जब हम लोन का रिपेमेंट पीरियड बढ़ा देते हैं, बेसिकली हो क्या रहा है ये समझिए कि हमने जो रिपेमेंट पीरियड है उसको बढ़ा दिया, राइट? यही हो रहा है ना। तो रिपेमेंट पीरियड को जब हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, आप ये बताइए। तो इस केस में ये नहीं होगा कि जो आपका मंथली ईएमआई है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सोचिए, जब आप रिपेमेंट पीरियड को बढ़ा देंगे तो मंथली ईएमआई आपका कम हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब कि कंपनी को हर महीना लोन चुकाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, हर महीना लोन चुकाने के लिए कम पैसा निकालना पड़ेगा। तो जब मंथली ईएमआई कम होता है तो डीएससीआर क्या होता है, तो डीएससीआर आपका बढ़ता है, डीएससीआर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप रिपेमेंट के लिए ज्यादा पैसा अवेलेबल हो गया है, समझ में? समझ रहे हैं? क्योंकि रिपेमेंट के लिए आप ज्यादा पैसा, अभी मैंने क्या बोला, डीएससीआर क्या बताता है कि रिपेमेंट के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है, राइट? रिपेमेंट के लिए आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके लोन की ईएमआई 50,000 रुपया है, आपके लोन की ईएमआई है 50,000 रुपया एक महीने में, ठीक है, देनी थी, और आपका इनकम 1,00,000 है। आपका इनकम कितना है, 1,00,000 है। अब अगर रिपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया जाए और ईएमआई 50,000 की जगह 30,000 हो जाए, तो आपको सिर्फ 30,000 रिपे करना पड़ेगा, बाकी पैसा तो बचा होगा। इस वजह से क्या होगा कि आपको डीएससीआर बढ़ जाएगा, क्योंकि डीएससीआर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपको रिपेमेंट के लिए ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो गया है, समझ में? तो इसका सही जवाब होगा इट विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो हमने क्या देखा, इसका सिंपल मतलब है रिपेमेंट पीरियड बढ़ाओ, ईएमआई कम हो जाती है और डीएससीआर भी हमारा बढ़ जाता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। EMI मेथड ऑफ रिपेमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लोन टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉरोवर। तो EMI मेथड जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है? तो EMI का मतलब होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें बॉरोवर को हर महीना एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है जो उसके लोन के रिपेमेंट के लिए होता है। अब ये किस तरह के बॉरोवर के लिए बेस्ट है? वह बॉरोवर जिनकी इनकम फिक्स होती है, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉय, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर महीने उनको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, इसलिए उनके लिए EMI मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि हर महीने वो आसानी से अपनी EMI पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसका मंथली इनकम 50,000 है, ठीक है। अब उसको EMI 10,000 फिक्स है, तो हर महीने अपने सैलरी से आसानी से EMI निकाल सकता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन सीजनल इंडस्ट्री या फार्मर के लिए इनकम फिक्स नहीं होती, इसलिए उन्हें EMI का सिस्टम ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। बेसिक सा सवाल था, ऑब्वियसली इसका आंसर आप दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक लीज का फीचर नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आप लोग देखिए, इस लीज का कौन सा फीचर नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले लीज का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? लीज का मतलब है कि जब एक पार्टी अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पार्टी को यूज करने के लिए देती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करती, केवल यूज करने के लिए दे रही है, सेल नहीं कर रही है, ओनली फॉर यूज, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं लीज, राइट। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि लीज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, और इसमें लेसी को हर महीना या हर स्पेसिफिक पीरियड के लिए पेमेंट करना पड़ता है, राइट। लेसी को कौन पेमेंट करेगा? लेसी पेमेंट करेगा। लेसर और लेसी दो कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो आप जरा ऑप्शन देखते हैं, वन पार्टी एग्री टू अलाउ यूज ऑफ इट प्रॉपर्टी बाय अदर पार्टी, तो सही है। द लेसी हैज़ अ राइट टू परचेज अ लीज प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि लेसी को प्रॉपर्टी खरीदने का राइट मिला है, जो कि लीज का फीचर नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, इट इन्वॉल्व रेगुलर पेमेंट बाय द लेसी, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए, लीज के केस में सिर्फ यूज का राइट होता है, ऑनरशिप का राइट नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यूज का राइट होता है, लेसी को केवल यूज कर सकता है, ना कि उसे खरीद सकता है, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फ्लैट लीज पर ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो आपको सिर्फ फ्लैट यूज करने का राइट मिला है, खरीदने का नहीं। हर महीना आपको फ्लैट के लिए रेंट देना होगा, लेकिन फ्लैट कभी आपका नहीं होगा, समझ में आया। तो लीज में ऑनरशिप का राइट नहीं होता है, सिर्फ यूज का राइट होता है, बहुत सा सिंपल सा चीज़ है। चलिए अब एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वेट लीज। अब देखिए, दो तरह का लीज होता है, आप जानते होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, एक होता है ड्राई लीज और एक होता है वेट लीज, ठीक है। तो अब बताइए दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे वेट लीज का मतलब होता है कि जो एसेट लीज पर दिया गया है उसको लेसर ही ऑपरेट करता है, लेसी नहीं ऑपरेट करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेट लीज का मतलब क्या होता है कि जो एसेट लीज पर दिया गया है उसको कौन ऑपरेट करेगा? लेसर ऑपरेट करेगा, लेसी उसे ऑपरेट नहीं करेगा, राइट। यह ज़्यादातर केस में ट्रांसपोर्टेशन या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में होता है। वेट लीज के केस में एसेट जैसे कि एक प्लेन, लेसर का क्रू, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के साथ लीज पर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एयरलाइन कंपनी दूसरी कंपनी को एक प्लेन लीज पर लेती है, तो वेट लीज के केस में प्लेन को लीज देने वाली कंपनी को पायलट और स्टाफ उस प्लेन को ऑपरेट करेंगे, समझ रहे हैं। तो जो लीज दे रही है कंपनी, उसके पायलट होंगे, उसके स्टाफ होंगे जो कि इस प्लेन को ऑपरेट करेंगे, एयरलाइन कंपनी से प्लेन यूज करेगी। तो वेट लीज का, अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं, द लीज एसेट इज ऑपरेटेड बाय द लेसर, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। द लीज एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, नहीं। द लीज इज फॉर लॉन्ग टाइम, ये सब नहीं। तो इसका मेन खासियत यह है कि लीज एसेट लेसर के थ्रू ही ऑपरेट होता है, अनलाइक नॉर्मल लीज जिसमें लेसी खुद एसेट को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट MCQs हमने देखे लीज से रिलेटेड, और उम्मीद है आपको लीज और वेट लीज के फ्यूचर क्लियर हो गए होंगे, राइट। चलिए अगला सवाल है कि लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो बताइए लीज एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, लीज पीरियड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनर। देखिए लीज एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका लीज पीरियड होगा, ठीक है। तो यानी कि कितने टाइम तक आपको प्रॉपर्टी एसेट यूज़ करना अलॉट है। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, यानी मतलब क्या हुआ, जो डिसाइड करता है कि लीज खत्म होने के बाद एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है होती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लीज रेंटल और पेमेंट टर्म्स। क्या मतलब हुआ, यानी आपको कितना पैसा देना होगा और किस इंटरवल में देना होगा, ठीक है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। मान लेते हैं आप एक कार लीज पर ले रहे हैं, तो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपको कितने साल के लिए कार मिलेगी, यानी लीज पीरियड। क्या कार आपको ऑनरशिप के लिए ट्रांसफर की जा सकती है या नहीं। और फाइनली ये भी लिखा होगा कि आपको हर महीने कितना पैसा देना होगा,
तो लीज एग्रीमेंट में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल है, इन अ लीज ट्रांजेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द लेसी। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट की, जब कोई लेसी यानी कि जो एसेट लीज पर लेता है, जब कोई लेसी एक एसेट लीज करता है तो उस एसेट का टोटल परचेज कॉस्ट या लीज रेंटल अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि उसको बैलेंस शीट में हम लोग नहीं लिखते। उसके बजाय एक चीज़ जो लिखी जाती है वो है राइट ऑफ यूज एसेट। क्या लिखी जाती है? राइट ऑफ यूज एसेट। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, सब आपके बुक में दिया हुआ है, उसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? राइट ऑफ यूज एसेट लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब लेसी के पास सिर्फ एसेट को यूज करने का राइट होता है, ऑनरशिप नहीं होती है। इस राइट को बैलेंस शीट के एसेट साइड पर दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग 5 साल के लिए लीज पर ली है अपने बिजनेस के लिए, बिल्डिंग का कॉस्ट या लीज रेंटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो राइट आपको मिला है कि लीज ट्रांजैक्शन में राइट ऑफ यूज एसेट का फॉर्म में दिखाया जाता है, तो लीज ट्रांजैक्शन में लेसी का बैलेंस शीट के एसेट साइज पर राइट ऑफ यूज एसेट दिखाया जाता है, जो बताता है कि लेसी को एसेट यूज करने का राइट मिला है, बस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज सेम एज इन बुक ऑफ लेसी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लीज अकाउंट के दो टाइप होते हैं, आपको एक पता होगा, एक तो होता है हमारा फाइनेंस लीज और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लीज, राइट। तो जब लेसी की बात आती है तो दोनों लीज का ट्रीटमेंट काफ़ी सिमिलर होता है, लेकिन जब लेसर की बात होती है तो यह ट्रीटमेंट अलग होता है। तो वही कह रहा है कि द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इन डिफरेंट इन द बुक ऑफ लेसर। बिल्कुल सही बात है, राइट। लेकिन लेसी के केस में दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर जहाँ तक बात करें INDAS 116 की, देखिए यहाँ लिखा हुआ है AS 116 लिखा है ना, ठीक है। तो INDAS 116 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एसेट, पहले क्वेश्चन पढ़िए, द लीज मे इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ INDAS 116 टू लीज फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू। तो INDAS 116 क्या कहता है कि अगर एसेट लो वैल्यू की है तो लेसी डिटेल अकाउंटिंग अप्लाई नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, कि एसेट यदि मान लीजिए कि आपका लो वैल्यू है, तो लो वैल्यू वाले केस में क्या नहीं कर सकता, लो वैल्यू केस में जो हमारा लेसी है वो डिटेल्ड अकाउंटिंग अप्लाई नहीं कर सकता है, लेसी कैन नॉट अप्लाई द डिटेल अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये सब के सब स्टेटमेंट सही है। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी है जो कि छोटी सी मशीन लीज पे लेते हैं, आपका एक कंपनी है और आप क्या करते हैं कि एक मशीन जो है लीज पर लेते हैं, राइट, इसकी वैल्यू बहुत कम है, आपको इस मशीन के लिए INDAS 116 के कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। चलिए होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो सबका सब स्टेटमेंट सही है। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलिए देखते हैं। वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला कह रहा है कि RBI गाइडलाइन रिक्वायर दैट बैंक्स शुड अडॉप्ट ओनली टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को रन स्मूथ करने के लिए। पहले RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक मेथड जैसे कि टर्नओवर या MPVF यूज होते हैं, राइट, तो ये तो गलत है, ओनली लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ईच बैंक इज फ्री टू अडॉप्ट इट ऑन मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। हाँ, ये सही है, आजकल बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने हिसाब से अपना मेथड चूज कर सकते हैं जो उन्हें कस्टमर के लिए सुटेबल लगे। फिर कह रहा है कि RBI गाइडलाइन ओनली परमिट ऑफ यूज ऑफ टर्नओवर मेथड एंड MPVA मेथड, ये भी गलत है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बॉरोवर। मान लीजिए कि एक बिजनेस को अपना डेली ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, अब बैंक डिसाइड करेगा कि किस मेथड के थ्रू वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बेस्ड ऑन बिजनेस की रिक्वायरमेंट। तो हर बैंक को अपना मेथड चूज करने की फ्रीडम होती है फॉर असेसिंग वर्किंग कैपिटल, RBI ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल करंट एसेट एंड द टोटल करंट लायबिलिटी ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सब में वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है कि बिजनेस का डेली ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं NWC की, नेट वर्किंग कैपिटल की, तो इसका मतलब होता है कि फर्म के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस। अच्छा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ टोटल करंट एसेट इंक्लूड होते हैं, बट नेट वर्किंग कैपिटल में यह डिफरेंस निकालते हैं।
जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, मान लीजिए एक दुकान है जिसमें आपके पास 1 लाख का 1 लाख का करंट एसेट है, जैसे इन्वेंट्री हो गया या रिसीवेबल हो गया, ठीक है। रिसीवेबल भी हमारा एक तरह का करंट एसेट होगा, आपको पता होगा, क्योंकि ये पैसा आपको मिलने वाला है, तुरंत ही मिलने वाला है। और मान लीजिए कि आपका जो करंट लायबिलिटी है वो कितना का है, 60,000 का है, ठीक है। तो जैसे आपका करंट लायबिलिटी, मान लीजिए जो बिल आपको पे करना है, जो आपका पेबल है, ठीक है, तो आपका नेटवर्किंग कैपिटल कितना हो गया, नेटवर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग कैपिटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, जबकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट होता है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का सोर्स है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए सोर्स होते हैं जिसे बिजनेस अपनी डेली जरूरतें पूरी करती है। तो यहाँ देखिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा उधार देती है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। पब्लिक डिपॉजिट वो पैसा है जो जनरल पब्लिक से डायरेक्टली लिया जाता है। फैक्टरिंग एक यूनिक मेथड है जहाँ पे आप अपने रिसीवेबल को एक फैक्टरिंग कंपनी को बेचकर इमीडिएट कैश ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप कंपनी के आपके कंपनी ने कंपनी के कस्टमर ने आपको पैसा देने हैं, लेकिन टाइम लगेगा। अब आप अपनी रिसीवेबल फैक्टरिंग कंपनी को बेचकर तुरंत पैसा ले सकते हैं। तो ये सभी के सभी तरीका है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के सोर्स के लिए, राइट। ऑल ऑफ दिस आर द मेथड्स ऑफ रिसीविंग वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है, बोथ टाइप ऑफ फैसिलिटीज बिकम इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी टू द बॉरोअर। नहीं नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि फंडेड फैसिलिटी का मतलब है जहां बैंक डायरेक्टली पैसा देता है बॉरोअर को, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया लोन, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया ओवरड्राफ्ट। नॉन फंडेड में बैंक पैसा ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन वो गारंटी देता है, या आप कह सकते हैं कि वो सपोर्ट करता है, राइट, जैसे कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी। तो दोनों नॉन फंडेड का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोथ टाइप ऑफ फैसिलिटी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी, नहीं, अ फंडेड फैसिलिटी मे बिकम अ नॉन फंडेड फैसिलिटी इन ड्यू कोर्स एंड वाइस वर्सा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बोथ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, ये सही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को गुड्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन पैसा बाद में दिया जाए देना है, अब बैंक कंपनी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा जो ये इंश्योर करेगा कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तो बैंक पैसा देगा। तो बैंक डायरेक्टली पैसा नहीं देता, लेकिन गारंटी देता जरूर है, और यही होता है हमारा नॉन फंडेड फैसिलिटी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इन इंडिया, राइट। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का रेगुलेटर कौन होता है, RBI, SEBI, FMC, RBI होता है। इनमें से कौन सा कथन जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सही है, ठीक है। तो पहला कह रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत। सिमिलर मतलब सिमिलर किस सेंस में, चलिए सिमिलर मानते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली लिक्विड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, अब देखिए ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये OTC होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सचेंज प्रोडक्ट होता है। मतलब सिमिलैरिटी तो है दोनों में, राइट, कि मतलब हम क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर के प्राइस को फिक्स कर रहे हैं आज ही के डेट में, ठीक है, जो कि हमारा एक तरह का दोनों में यही चीज का सिमिलैरिटी है। लिक्विड तो होता ही होता है कि एक सर्टन डेट को जो है आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को ये कर सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन स्वैप के बारे में गलत है, बहुत अच्छा सवाल है, स्वैप के बारे में गलत कौन सा कथन है। एक बार मैं आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर थोड़ा फिर से समझा देता हूँ। देखिए, दोनों में आप फ्यूचर में कोई एसेट बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज रेट पर ट्रेडेड होता है, जैसे कि NSE या BSE। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट होती हैं, जैसे OTC पे, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लिक्विड होते हैं क्योंकि इनको ईजिली आप बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक सवाल और देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है स्वैप के बारे में कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं, स्वैप एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज अपने कैश फ्लो या लायबिलिटीज़ को एक्सचेंज करती है, ठीक है। दो पार्टीज़ है ये अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करती है, यह कस्टम टेलर्ड होते हैं, यानी OTC होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं, और मतलब कि इन्हें एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किया जाता। बहुत सारी कंपनी इन्हें एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द कस्टम टेलर्ड बायलैटरल एग्रीमेंट, बिल्कुल सही, इट इज़ अ OTC प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। यूज ऑफ द प्रोडक्ट नॉट अलाउड इन इंडिया, ये गलत है क्योंकि स्वैप का ये इंडिया में अलाउड है। मान लो एक कंपनी है उसको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना है, लेकिन वो फ्लोटिंग रेट को प्रेफर करती है, राइट, तो स्वैप एग्रीमेंट करके अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकती है, यही होता है स्वैप। इनमें से कौन सा कथन जो है CDS के बारे में गलत है। CDS क्या होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के डिफॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है,
इसमें बायर रिस्क को रिस्क सेलर को प्रीमियम पे करता है, यानी जो बायर है वो क्या करेगा कि जो रिस्क सेलर होगा इसको क्या पे करेगा, इसको प्रीमियम पे करेगा। बायर रिस्क सेलर को क्या पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा, राइट है कि बायर रिस्क प्रीमियम को क्या करेगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, CDS एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के डिफॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। इसमें बायर रिस्क सेलर को प्रीमियम पे करता है, लेकिन अब जरा ऑप्शन देखिए, इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट, ये भी सही है। अंडर दिस प्रोडक्ट द रिस्क सेलर पे अ प्रीमियम टू द बायर, देखिए उल्टा कह रहा है, बायर पे करता है, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर मतलब कि सी भी सही नहीं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है कि कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, तो आप एक CDS बाय कर सकते हैं जो कि आपको डिफॉल्ट होने पर कॉम्पेंसेशन पे करेगा, राइट। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कैश बजट मेथड को कहाँ यूज किया जाता है, किस इंटरप्राइज में। तो कैश बजट मेथड उन बिजनेस इंटरप्राइज के लिए बेस्ट है जो सीजनल ऑपरेशन करते हैं। इस मेथड से कंपनी अपने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को प्लान कर सकती है, स्पेशली जब उनके बिजनेस सीजनली फ्लक्चुएट करता है, या उन्हें बेटर कंट्रोल और प्लानिंग करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है जो फेस्टिव सीजन में ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करती है, तो वो कैश बजट को यूज करेगी ताकि वो समझ सके कि उनका इन्वेंट्री कब ज़्यादा खरीदनी है और कब कैश रिजर्व मेंटेन करना है, ठीक है। तो सही जवाब होगा सीजनल ऑपरेशन। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CSR इज नॉट करेक्ट, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई द कंपनी विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड मनी ऑन CSR। तो यह स्टेटमेंट इसका मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि कौन सी कंपनी CSR एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च करेगी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि लॉ के थ्रू यह डिफाइन किया गया है कि किन कंपनी को CSR के बजट एलोकेट करना पड़ेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि CSR स्पेंड इज टोटली वॉलेंट्री एंड देर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू स्पेंड मनी ऑन इट। यह स्टेटमेंट गलत है, CSR स्पेंडिंग अब वॉलेंट्री नहीं रहा बल्कि काफ़ी कंपनीज़ के लिए कंपलसरी है। कंपनीज़ को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ में लगाना पड़ता है, तो यह लीगली मैंडेटरी है, इसलिए यह हमारे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्ट। फिर कह रहा है ओनली स्पेसिफाइड एक्टिविटी आर एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर CSR। यह स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ CSR के अंदर कवर्ड होगी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिवेशन। ऑप्शन डी कह रहा है कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जैसे मैंने पहले बताया जो कंपनी CSR के लिए लायबल है उन्हें अपने लास्ट 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटी पे खर्च करना जरूरी है। जैसे मान लो कि कंपनी को पास्ट 3 ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको CSR एक्टिविटी में कम से कम 2 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। तो एक बार की पॉइंट समराइज कर लें, मैंने क्या बोला कि कंपनीज एक्ट 2013 CSR स्पेंडिंग को कंपलसरी बनाता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज CSR के अंदर आते हैं और 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट CSR पे खर्च करना मैंडेटरी है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बिजनेस एथिक्स में नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है फिलेंथ्रॉफी। फिलेंथ्रॉफी का मतलब होता है सोसाइटी के लिए डोनेशन या चैरिटेबल वर्क करना, लेकिन यह बिजनेस एथिक्स का हिस्सा नहीं है। फिलेंथ्रॉफी एक अलग ही कंसेप्ट है, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जो फिलेंथ्रॉफी जो कि वॉलेंट्री होता है, लेकिन एथिकल बिजनेस बिहेवियर में जरूरी नहीं है। दूसरा कह रहा है ऑनेस्टी। तो देखिए ऑनेस्टी एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एथिकल बिजनेस ऑनेस्टी को फॉलो करता है और अपने डीलिंग और बिजनेस प्रैक्टिस में झूठ या डिसऑनेस्टी से किसी का ट्रस्ट टूट सकता है जो कि अनएथिकल होता है। इंटीग्रिटी, तो देखिए इंटीग्रिटी का मतलब है कि अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल पे स्टिक रहना एवन अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आए, यह भी एक इंपॉर्टेंट बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। और ट्रस्ट वर्दीनेस भी एक कोर बिजनेस एथिक्स है, अगर आप ट्रस्ट वर्दी हो तो लोग आपके बिजनेस पे भरोसा रखेंगे, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर है फिलेंथ्रॉफी। तो जैसे एक कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट एजुकेशन या हेल्थ केयर पर डोनेट करती है, यह फिलेंथ्रॉपी कहलाता है, लेकिन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट वर्दनेस जैसे वैल्यू के बिना बिजनेस एथिक्स काम नहीं कर सकता। तो एक बार की पॉइंट समराइज कर ले इस क्वेश्चन का, मैंने क्या बताया ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट वर्दनेस बिजनेस एथिक्स की कोर वैल्यू है, फिलेंथ्रॉपी एक अलग कंसेप्ट है। तो अभी हमने CSR और बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए, साथ ही साथ हर ऑप्शन को सिंप्लीफाई किया, उम्मीद है आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा MCQs रहता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एजेंसी प्रॉब्लम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सप्लायर। तो इसका मतलब है कि जब कंपनी, एक तरफ कंपनी है और एक तरफ सप्लायर है, जब कंपनी और सप्लायर के बीच कुछ इंटरेस्ट मैच नहीं करते हैं तो यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक प्रॉपर मेजर इशू नहीं होता, यह एक बिजनेस रिलेशनशिप का इशू होता है, यह एजेंसी प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसको एजेंसी प्रॉब्लम कहा जा सकता है। फिर बी कह रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट कस्टमर। यह तब होता है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में कस्टमर के इंटरेस्ट को मैच नहीं करती, लेकिन यह भी एक एजेंसी का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इशू है। ऑप्शन सी कह रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है जब कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसी को मैच नहीं करती या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, यह लीगल या रेगुलेटरी इशू होता है, एजेंसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका ये सही आंसर है। एजेंसी प्रॉब्लम का मेन कंसेप्ट यह होता है कि शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाता है, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, राइट। क्योंकि मैनेजमेंट अपनी सैलरी या पर्क को प्रायोरिटी दे सकती है, जबकि शेयर होल्डर को प्रॉफिट और कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए होता है। यह क्लासिक एजेंसी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जैसे मान लो एक कंपनी का मैनेजमेंट ने अपनी सैलरी और बोनस बढ़ा लिए, जबकि शेयर होल्डर को डिविडेंड या कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो यह कैसा प्रॉब्लम है? यह एक एजेंसी प्रॉब्लम है। तो की पॉइंट को समराइज कर लें इस क्वेश्चन का। हमने ये देखा कि एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट, सप्लायर, कस्टमर और गवर्नमेंट का इशू से ये एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अगला सवाल है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है एमिंग एट हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न एंड लो रिस्क। यह पॉसिबल नहीं हो सकता, हाई रिटर्न हमेशा हाई रिस्क के साथ ही आता है, और अगर आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। फिर बी कह रहा है एमिंग एट लो रिस्क एंड लो रिटर्न। यह ऑप्शन तो जनरली सही है लेकिन ट्रेड ऑफ को फुल एक्सप्लेन नहीं करता। लो रिस्क के साथ लो रिटर्न मिलना नॉर्मल है लेकिन यह बैलेंस का बेस्ट एग्जांपल नहीं है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, यह करेक्ट आंसर है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि आपको रिस्क और रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर आपको रिस्क कम लेना चाहते हो तो रिटर्न उस हिसाब से ही कम होगा। ऑप्शन डी करें नन ऑफ द अबव तो गलत है। तो हमने क्या देखा, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई रिटर्न के लिए हाई वोलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट जैसे सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं तो रिस्क कम होता है। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब है कि रिस्क और रिटर्न के बीच का एक बैलेंस। सॉरी फ्रेंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स एंड करंट एसेट, नहीं, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड कैपिटल, ये सही जवाब है। डेप्ट और कैपिटल के प्रोपोर्शन को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है अकाउंटिंग रेशियो कैसे हेल्प करेगा इंटर फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन विद इंडस्ट्री नॉर्म, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। अगला सवाल है डीएससीआर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डीएससीआर रेशियो को कहाँ यूज करते हैं? पहला कह रहा है जजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल बिफोर देयर इज अ डिफॉल्ट इन रिपेइंग द लोन, यह करेक्ट आंसर है। डीएससीआर का फुल फॉर्म आपको बता दूं मैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो देखिए डीएससीआर यह रेशियो बताता है कि एक फर्म के पास कितनी मार्जिन है लोन की रिपेमेंट करने से पहले डिफॉल्ट होने से रिस्क तक। अगर डीएससीआर ज़्यादा है, अगर डीएससीआर ज़्यादा है तो फर्म के पास ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फर्म के पास कितनी मार्जिन है लोन की रिपेमेंट करने से पहले डिफॉल्ट होने के रिस्क तक, ठीक है। एक तो है लोन रिपेमेंट, ठीक है, लोन का रिपेमेंट करना, और दूसरा है डिफॉल्ट होने का कितना मार्जिन है। तो डीएससीआर यदि ज़्यादा होगा तो फर्म के पास ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन होता है लोन रिपे करने के लिए। फिर बी कह रहा है कि जजिंग वेदर द फर्म हैज़ बोरोइंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू नेटवर्थ, तो यह गलत है। यह कंसेप्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये देखो एक और चीज़ समझ लीजिए, यदि यही पूछा जाता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि फर्म हैज़ बोरोइंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू इट नेटवर्थ। तो डीएससीआर मेनली लोन रिपेमेंट और फर्म की इनकम के बीच रिलेशन को जज करता है, ठीक है। और फिर कह रहा है जजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू सर्विस द इंटरेस्ट ऑन द डेप्ट, यह भी गलत है। डीएससीआर की फोकस डेप्ट रिपेमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए एक कंपनी का डीएससीआर है 1.5, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को 1.5 टाइम्स कवर करने के लिए इनकम अवेलेबल है। इसका मतलब लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट होने का रिस्क कम है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1.5 डीएससीआर होने का मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास अपने डेप्ट ऑब्लिगेशन को, यानी जो भी इनका डेप्ट ऑब्लिगेशन है उसको 1.5 टाइम करने के लिए इतना इनकम है इसके पास कि डेप्ट ऑब्लिगेशन को 1.5 टाइम्स भी कर दिया जाए तो उसको वो उस बटन को वो हैंडल कर सकता है, राइट, टॉलरेट कर सकता है, दैट इज डीएससीआर।
फिर अगला सवाल है, तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि DSCR लोन रिपेमेंट के लिए सेफ्टी मार्जिन जज करता है, हायर DSCR का मतलब हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बोथ EPS एंड PE रेशियो वैरी विद द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर। यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए EPS यानी अर्निंग पर शेयर कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, नाम में ही लिखा है ना, EPS किस पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट पर। और PE रेशियो क्या होता है, पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, स्टॉक प्राइस और अर्निंग की कंपैरिजन करता है। किसों से कंपेयर करेगा, स्टॉक प्राइस को और अर्निंग को, इन दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो EPS कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, मार्केट प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कह रहा है ना कि वैरी विद द स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी। तो EPS किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा। और पी रेशियो स्टॉक प्राइस और अर्निंग का कंपैरिजन करता है, लेकिन EPS स्टॉक प्राइस से डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं होगा। वाइल कैलकुलेटिंग DER डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फिक्स डिपोजिट फ्रॉम शेयर होल्डर एज अ टेकन एज अ पार्ट ऑफ डेब्ट। तो क्या कर रहा है कि जब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का वक्त कंपनी के बोरोइंग इंक्लूडिंग फिक्स डिपोजिट फ्रॉम शेयर होल्डर को डेब्ट के पार्ट में इंक्लूड किया जाता है, इससे पता चलता है कि कंपनी कितना डेब्ट हैंडल कर रही है इन कंपेरिजन टू इक्विटी। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो ऑल करेंट लाइबिलिटी आर नॉट टेकन इन टू इंटू अकाउंट। तो देखिए यह स्टेटमेंट गलत है, क्विक रेशियो कैलकुलेट करते वक्त सब करंट लायबिलिटी को कंसीडर किया जाता है जो कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करता है। क्विक रेशियो आप जानते हैं ना, देखिए एक होता है करंट रेशियो जो कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, और एक होता है क्विक रेशियो जो कि क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। क्विक एसेट और करंट एसेट में क्या अंतर है, क्योंकि करंट एसेट में से जो कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एग्जांपल के तौर पर स्टॉक्स हो गए वगैरह। ठीक है, तो जिसको हम लोग तुरंत का तुरंत जो है करंट एसेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको माइनस करके हमारा क्विक एसेट आता है। तो क्विक एसेट में सारा करंट लायबिलिटी को लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि डेटर टर्नओवर रेशियो इज हायर इफ द कंपनी सेल मोर गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस देन कैश बेसिस। क्या कह रहा है, यह गलत है। देखिए डेटर टर्नओवर रेशियो हाई तब होता है जब कंपनी अपने रिसीवेबल्स को, अब मैं बोल रहा हूँ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ, रिसीवेबल्स का मतलब कि जो कंपनी ने उधार दे रखा है और जिसको कंपनी को मिलेगा बाद में, उसको बोलते हैं रिसीवेबल। जब भी कंपनी अपने रिसीवेबल को एफिशिएंटली कलेक्ट करती है, मतलब जो पैसा है उसको कलेक्ट करना, तो DTR हमारा क्या होगा, हाई होगा। राइट, अगर ज़्यादा क्रेडिट पर गुड्स बेची जाती है तो डेटर टर्नओवर रेशियो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप जितना ज़्यादा क्रेडिट पर गुड्स बेचिएगा तो उतना DTR आपका कम होगा, और यदि आप उसको रिकवर कर लेते हैं, जो पैसा आपका रिसेबल उसको रिकवर करते हैं, DTR आपका हाई होगा, क्योंकि रिसेबल का कलेक्शन स्लोअर होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ क्या कर रहा है, कंपनी यदि ज़्यादा गुड्स क्रेडिट बेसिस पर बेचती है, ठीक है, तो उसका जो डेटर टर्नओवर रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा ज़्यादा उधार पे बेच रही है तो रिसीवेबल उसका का टाइम बढ़ जाएगा रिसीवेबल को कलेक्ट करने का, और जैसे ही रिसीवेबल का टाइम कलेक्ट करने का टाइम बढ़ेगा तो हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो कम हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन इसमें सब का सब रेशियो है, पी ई रेशियो, ई पी एस रेशियो, तो हमने क्या देखा कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे एक कंपनी शेयर होल्डर से फिक्स डिपॉजिट ले रही है, ठीक है, ये कोई कंपनी है और ये कोई शेयर होल्डर है, इससे ये क्या ले रही है, FD ले रही है। ठीक है, यह डिपॉजिट को डेब्ट के पार्ट में काउंट किया जाता है जब डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जब DER कैलकुलेट करेंगे ना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो ये FD जो इससे ली है वो हमारा डेब्ट का पार्ट होगा। ठीक है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो कम होगा, ये ध्यान रखना है। राइट, तो ताकि कंपनी को लीवरेज का एक्यूरेट पिक्चर मिल सके। तो हमने क्या देखा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जिसको हम लोग DET बोलते हैं, DER बोलते हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में फिक्स डिपॉजिट को डेप्ट का पार्ट माना जाता है। EPS मार्केट प्राइस से वैरी नहीं करता, लेकिन PE रेशियो मार्केट प्राइस और अर्निंग के रिलेशनशिप को दिखाता है। ठीक है, तो हमने देखा DSCR रेशियो और डेप्ट इक्विटी रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आपके लिए कैप्सूल कोर्स रेडीमेड तैयार है, इन सभी क्वेश्चन को आपको यदि PDF फॉर्मेट में चाहिए तो कैप्सूल कोर्स के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों आपको हर एक वो कंटेंट मिलेंगे हमारे कैप्सूल कोर्स में जो कि इफेक्टिवली डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीजेज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ कंपनी। अभी मैंने आपको बताया डेब्ट और इक्विटी का जो रेशियो होता है वो यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, यह गलत है। देखिए आपका यदि DYE रेशियो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हायर है, इसका मतलब हुआ कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोन है, मतलब डेब्ट ज़्यादा है, यही ना मतलब हुआ। ठीक है, तो जो कंपनी के प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। आपका लोन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट तो कम ही होगा ना, इंटरेस्ट इनकम पे करना होगा।
सिंपल सी बात है, आपका लोन ज़्यादा होगा तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा, और इंटरेस्ट ज़्यादा पे कीजिएगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे ये बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, क्या लगता है? हाँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी का इंडिकेटर है। सॉल्वेंसी का मतलब पहले क्या होता है ये समझिए, सॉल्वेंसी का मतलब कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को पे करने की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट को पे करने की कितनी कैपेसिटी है, समझ रहे हैं राइट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारा DER ज़्यादा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, तो कंपनी ज़्यादा डेब्ट ले रही है जो कि रिस्की हो सकता है, ठीक है, तो ये बताएगा ना कि सॉल्वेंसी कितना है। फिर कह रहा है कि हाई करंट रेशियो, ये सही है, हाई करंट रेशियो इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए करंट रेशियो हाई है, करंट रेशियो होता क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मतलब मान लीजिए कि एक यूनिट आपका, एक यूनिट करंट लायबिलिटी है, तो उस केस में आपका मान लीजिए करंट एसेट 2 यूनिट हो गया, ठीक है, तो ये ना होता है हमारा करंट लायबिलिटी हायर होने का मतलब, करंट रेशियो हायर होने का मतलब, ठीक है, तो एक यूनिट करंट एसेट के लिए आपके पास 2 यूनिट, एक यूनिट करंट लायबिलिटी के लिए आपके पास 2 यूनिट करंट एसेट है, ठीक है, तो ये तो गलत वाली बात है, ये इनएफिशिएंसी को दिखाता है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास, आप देखिए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज है, मतलब करंट लायबिलिटी क्या होता है, करंट लायबिलिटी बैंक के लिए, करंट लायबिलिटी का आप एग्जांपल बताइए, बैंक के लिए करंट लायबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है ऑब्लिगेशन, बैंक ऑब्लिगेशन, जैसे बैंक का जो FD है, RD है वगैरह, ठीक है, तो एक यूनिट करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए इसके पास 2 यूनिट है लोन का, ये तो गलत है, ये तो पैसा को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है राइट, समझ रहे हैं बात को। तो अगर रेशियो ज़्यादा होता है तो कंपनी ज़्यादा, तो इसका मतलब सिंपल सा समझिए कि, लेकिन ये हमेशा एफिशिएंट मैनेजमेंट का इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हाई रेशियो इनएफिशिएंट, तो मतलब बराबर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस एंड शुड बी एक्सक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है, पहली बात तो ये समझिए, और जो फिक्स एसेट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर इट यूजफुल लाइफ, यह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन का यूज करना पड़ेगा, तो कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जैसे कि ये अगर एक कंपनी के पास 1 करोड़ की इक्विटी और 50 लाख का लोन है, तो DER कितना हो जाएगा, 0.5 होगा, नहीं, 1 करोड़ का इक्विटी और 50 लाख का लोन, तो 50/1 करोड़, तो 0.5 नहीं हो जाएगा DER, ठीक है, तो मतलब कंपनी के पास ज़्यादा इक्विटी है कंपेयर टू लोन, विच इज़ अ गुड साइन फॉर सॉल्वेंसी। चलिए ये बातें समझ में आई आपको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है फिक्स एसेट रेशियो के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज़ रेशियो ऑफ फिक्स एसेट एंड नेटवर्थ, यह कह रहा है कि फिक्स एसेट और नेटवर्थ का रेशियो होता है, ये गलत है, क्योंकि फिक्स एसेट रेशियो फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म फंड के साथ कंपेयर करता है। फिक्स एसेट को किसे कंपेयर करेगा, लॉन्ग टर्म फंड के साथ कंपेयर करेगा राइट, ना कि नेटवर्थ के साथ, प्लीज रिमेंबर इट, फिक्स एसेट रेशियो कंपेयर द फिक्स एसेट विद द लॉन्ग टर्म फंड्स। ऑप्शन बी कह रहा है इट इज़ अ रेशियो ऑफ फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि फिक्स एसेट का लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस किया गया है। देखिए अगर रेशियो 1 है, ठीक है, या 1 से ज़्यादा है, तो कंपनी अपने फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म फंड से अच्छे से फाइनेंस कर रही है राइट, तो ये हमें यही बताता है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है कि रेशियो लेस देन 1 इंडिकेट दैट शॉर्ट टर्म रिसोर्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर द क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट, तो यदि हमारा लेस देन 1 है, इसका मतलब होता है कि कुछ फिक्स एसेट को शॉर्ट टर्म फंड से फाइनेंस किया जा रहा है, पर इसका पूरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका फोकस ही हमेशा नहीं होता राइट। ऑप्शन डी कह रहा है कि नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये इनकरेक्ट है। देखिए मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 80 लाख का लॉन्ग टर्म फंड रेज किया और उसे 60 लाख के प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ध्यान दीजिएगा 80 लाख का इसका क्या है, लॉन्ग टर्म फंड है, इसको बॉरिंग पे लिया है, लॉन्ग टर्म फंड इसने रेज किया है, और उससे क्या किया इसने 60 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो ये एसेट हो गया इसके लिए, ठीक है, और ये बॉरिंग है तो ये लायबिलिटी है, ठीक है, तो अब ये रेशियो हमारा फिक्स एसेट का, ये कैसा एसेट है, फिक्स एसेट है, तो ये जो फिक्स एसेट है और उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे फिक्स एसेट को कंपेयर किया जा रहा है लॉन्ग टर्म फंड से, तो यहाँ लॉन्ग टर्म फंड है 60/80, ये लगभग कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, क्योंकि 1 से कम है, तो 0.75 बताता है कि फिक्स एसेट प्राइमरली लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस किए गए हैं, लेकिन कुछ फंड अभी भी स्पेयर है, हमारे पास कुछ फंड अभी भी क्या है, स्पेयर है, मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेस देन 1 इंडिकेट दैट शॉर्ट टर्म रिसोर्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट, नहीं ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स को समराइज कर लें, अभी जो हमने 3 पॉइंट समझे, पहले मैंने क्या बताया कि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है वो सॉल्वेंसी का इंडिकेटर होता है, इसको सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं राइट,
तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद हमें क्या देखा कि जो फिक्स एसेट रेशियो होता है, फिक्स एसेट रेशियो ये इससे पता चलता है कि कंपनी अपने फिक्स एसेट को कितने अच्छे से फाइनेंस कर रही है यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड। और हाई रेशियो कभी कभी ज़्यादा डेप्ट या एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट को इंडिकेट कर सकते हैं, तो हर रेशियो का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर है, अमाउंट ऑफ 40,000 फॉर 3 ईयर फेचेज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11%, द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इच। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि ये अमाउंट है 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट 11% है, तो 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 40,000 गुने 11 गुने 3 अपॉन 100 यही होगा ना, क्योंकि ये पर एनम है और ये 3 साल का रहा है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 13,200 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एन्यूटी का टाइप नहीं है, ठीक है, कौन सा एन्यूटी का टाइप नहीं है, तो पहला कह रहा है स्पेशल एन्यूटी, यह गलत ऑप्शन है क्योंकि ये स्पेशल एन्यूटी कोई स्पेसिफिक एन्यूटी नहीं होता। दूसरा कह रहा है एन्यूटी ड्यू, बिल्कुल सही बात है। देखिए यह करेक्ट ऑप्शन है, एन्यूटी ड्यू वो होता है जिसमें पेमेंट पीरियड के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, एन्यूटी ड्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें पेमेंट जो है पीरियड के स्टार्टिंग में, ये पीरियड है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट पीरियड के स्टार्टिंग में होता है, राइट। जैसे मान लीजिए कि रेंट है, तो रेंट जो आप एडवांस में पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एन्यूटी ड्यू कहलाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में आप पे कर रहे हैं। और ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या होता है, ऑर्डिनरी एन्यूटी होता है कि पेमेंट पीरियड के एंड में हो रहा है, स्टार्टिंग में ना करके आप एंड में कर रहे हैं पेमेंट, तो ऑर्डिनरी एन्यूटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि कार लोन का मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जैसे एन्यूटी ड्यू का एग्जांपल है, आपने घर किराए पे दिया है और टेनेंट हर महीना के स्टार्टिंग में रेंट दे रहा है, तो ये एन्यूटी ड्यू का एग्जांपल है। और अगर आप ईएमआई कार लोन पे कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ मंथ ये ऑर्डिनरी एन्यूटी है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने देखा, तो एन्यूटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्यूटी, ये दो तरह के एन्यूटी होते हैं और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन जो है कंपाउंडिंग के बारे में सही है, पहला कह रहा है व्हेन द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज मोर। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि जब कंपाउंडिंग पीरियड कम होता है, कि जैसे कंपाउंडिंग पीरियड कम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका अभी एनुअल था तो हाफ ईयरली हो गया, या हाफ ईयरली है तो मान लीजिए कि आपका क्वार्टरली हो गया। ठीक है, तो जब कंपाउंडिंग पीरियड कम होता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कह रहा है, तो क्योंकि देखिए इंटरेस्ट फ्रिक्वेंटली कंपाउंडेड होगा और एक्युमुलेट होता है तो टोटल अमाउंट को बढ़ा देता है, ये तो सही है। फिर कह रहा है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट मीन्स दैट इंटरेस्ट इज पेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है और जो इंटरेस्ट आप पहले कमा चुके हैं उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपेयर टू अंडर सिंपल इंटरेस्ट, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट पर लगता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। और कह रहा है ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सब के सब स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक तरीका है डेप्ट रिपेमेंट का, विच आर द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, तो कंपाउंडिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और मान लीजिए कि 10% का एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट पहले साल कितना मिलेगा, 1,000। ये आपने इन्वेस्ट किया है तो पहले साल 1,000 का इन्वेस्ट मिलेगा, दूसरे साल जो आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले साल का आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 1,000, ये एक्युमुलेटेड है, इस पे 10% ले लीजिए तो 100 हो जाएगा, और प्लस जो आपको पहले से प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिलने वाला था, टोटल आपको कितना मिलेगा, टोटल आपको मिलेगा 11,000। ठीक है, के स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा कथन बॉन्ड के बारे में गलत है, विच इज़ नॉट करेक्ट। पहला कह रहा है बॉन्ड और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, क्या लगता है आपको, देखिए बॉन्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, यह एक तरह का लोन होता है जो कंपनी इन्वेस्टर से लेती है, इन्वेस्टर को बॉन्ड के थ्रू पैसा मिलता है विथ इंटरेस्ट, कूपन बोलते हैं उसको। बॉन्ड्स आर द पार्ट ऑफ नेटवर्थ ऑफ एन एंटरप्राइज, ये गलत है, बॉन्ड कंपनी की लायबिलिटी में काउंट होते हैं, राइट, बॉन्ड इज काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, नेटवर्थ में नहीं, राइट। तो नेटवर्थ वो होती है जो कंपनी की ऑन एसेट होते हैं माइनस लायबिलिटी, राइट, तो बॉन्ड का लायबिलिटी है, बॉन्ड एक लायबिलिटी है क्योंकि इन्हें रिपे करना होता है। बॉन्ड इज इशूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि बॉन्ड कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, कूपन। जैसे मान लीजिए कि कंपनी 1 करोड़ रेज करना चाहती है तो वो बॉन्ड इशू करती है जो कि इन्वेस्टर को खरीदना होगा और कंपनी को ये पैसा रिपे करने पड़ेंगे विथ इंटरेस्ट। फिर कह रहा है कि बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है,
और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ऑप्शन लिखा रहा है कि ऑप्शन लिखा रहा है द होल्डिंग पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट रेट डिसअपीयर, इंटरेस्ट रेट डिसअपीयर, तो ड्यूरेशन बॉन्ड की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सेंसिटिविटी को मेजर करता है विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट चेंज। तो ड्यूरेशन वो पीरियड है जहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज, इंटरेस्ट रेट रिस्क न्यूट्रल होता है, राइट। यानी अगर आप बॉन्ड को उतने टाइम तक होल्ड करते हैं तो आपका रिस्क कम होता है। मतलब हमारा जो बॉन्ड है ना वो इंटरेस्ट रेट रिस्क से कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको पता ही होगा कि बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो इंटरेस्ट रेट से इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो एक सर्टेन पीरियड है जिस दौरान जो है बॉन्ड का प्राइस जो है ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, जिसको हम लोग ड्यूरेशन बोलते हैं। लेकिन यदि ड्यूरेशन के पीरियड के बाद होगा मतलब न्यूट्रल रहेगा बॉन्ड का प्राइस, वो हमला हो वो कहलाता है कि मतलब रिस्क नहीं होगा, रिस्क जो है डिसअपीयर होता है, ये सही बात है, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन वो टाइम तक होता है जहाँ तक इंटरेस्ट रेट रिस्क का इफेक्ट जो है हमारे बॉन्ड के प्राइस पर ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है द पीरियड फॉर विच रिमेनिंग फॉर द मैच्योरिटी, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। द पीरियड फॉर विच बॉन्ड हैज बीन इशूड, ये भी गलत है। फिर कह रहा है गैप बिटवीन टू इंटरेस्ट, ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉन्ड की ड्यूरेशन 5 साल है, इसका मतलब अगर 5 साल तक बॉन्ड होल्ड करते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट चेंज के इफेक्ट से थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ये बात बताया ड्यूरेशन का। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज, बहुत अच्छा सवाल है, इस पे सवाल बनता ही है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कूपन रेट के बराबर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लेस देन इट पार वैल्यू, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखिए जब मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है कूपन रेट से, इंटरेस्ट रेट जो है कूपन रेट से ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, बॉन्ड की वैल्यू पर वैल्यू से कम होता है, राइट। बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से कम होगा, तो जो बॉन्ड वैल्यू है दैट विल बी लेस देन द पार वैल्यू। यही तो चीज़ आपको बताना है कि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है कूपन रेट के बराबर है तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन भी कह रहा है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज मोर देन इट पार वैल्यू। तो देखिए बॉन्ड का वैल्यू लेस देन पार वैल्यू कब होता है, जब इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज़्यादा होता है तब। फिर कह रहा है कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज मोर देन पार वैल्यू, ये भी गलत है। जब हमारा मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है कूपन रेट से कम होता है तब बॉन्ड की वैल्यू जो है पार वैल्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्हेन वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू पार वैल्यू, बिल्कुल सही बात है कि जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार्केट रेट कूपन रेट के बराबर होता है तो बॉन्ड की वैल्यू उनके पार वैल्यू के बराबर होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि डिसाइडेड बाय द अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉन्ड का पार वैल्यू 1000 रुपया है, मतलब 1000 रुपीज शो कर रहा है, ठीक है, और कूपन रेट है 5%, ये भी ठीक है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट भी 5% है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वही 5% है, तो बॉन्ड की मार्केट प्राइस कितना ही होगा, बॉन्ड का मार्केट प्राइस भी 1000 ही होगा, राइट। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बॉन्ड, अभी हमने क्या सीखा कि बॉन्ड एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के लायबिलिटी में आता है, नेटवर्थ में नहीं आता। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि वो पीरियड जहाँ इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है, और मार्केट ड्यूरेशन। और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि मार्केट इंटरेस्ट रेट वर्सेस कूपन रेट अगर दोनों बराबर हैं तो बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू के बराबर होती है। तो ये हमने 3 पॉइंट अभी देखे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, बॉन्ड कैन बी इशूड ओनली विद कॉल ऑप्शन, नहीं पुट ऑप्शन नहीं, बॉन्ड कैन बी, दोनों से, पुट से भी कर सकते हैं कॉल से भी कर सकते हैं, राइट। आपको पता ही होगा पुट में क्या होता है, सेलिंग ऑप्शन होता है, कॉल में क्या होता है, बाइंग ऑब्लिक, और ऑप्शन का मतलब पता ही होगा कि ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, ये राइट है, राइट। आप इसको एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये होता है हमारा ऑप्शन। अगला सवाल है कि जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में कौन सा कथन सही है, ये सवाल बराबर बनता है, ठीक है। तो देखिए जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आपको कोई कूपन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी गेट एनी कूपन बिकॉज कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जीरो। जैसे मान लीजिए कि पार वैल्यू 1000 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपको जीरो कूपन बॉन्ड पे नो रेगुलर इंटरेस्ट, देर आर इशूड एट डिस्काउंट टू द पार वैल्यू, हाँ डिस्काउंट पे तो होगा ये इशू। जैसे मान लीजिए कि 100,000 रुपीज़ का आपका बॉन्ड है तो आपको 990 में दिया, ठीक है, तो 990 आपने पेमेंट किया, 990 आपको 1000 का मिला, राइट। द बॉन्ड होल्डर रिसीव द फुल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द रिडेम्पशन डेट, और ये सब का सब सही है ना, आपको कोई कूपन नहीं मिलेगा, नो रेगुलर इंटरेस्ट, जो फुल प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा रिडेम्पशन डेट पे। देखिए अगला सवाल है कि जब एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, इट इज नोन एज, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिए एक होता है हमारा, दो चीज़ यहाँ समझना जरूरी है, एक होता है हमारा सेटलमेंट डेट और एक होता है हमारा डील डेट, जिस दिन हमने डील किया। तो मान लीजिए कि डील आज हमने किया, आज मान लीजिए कि 22 तारीख है, ठीक है, 22 अक्टूबर है,
आज हमने डील किया और जो एक्सचेंज सेटलमेंट यानी कि सेटलमेंट जो हो रहा है वो 23 को हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको टॉम बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, टॉम बोला जाएगा, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे, आपने ध्यान दीजिएगा वर्किंग डे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग डे बार बार लिखा गया है कि यदि मान लीजिए कि कल संडे आ जाए तो कल तो डील होगा नहीं, कल तो सेटलमेंट होगा नहीं, तो अगले दिन होगा, ठीक है, तो भी टॉमी कहलाएगा। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आज 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर को हमारा डीलिंग हुआ और जो करेंसी एक्सचेंज है यानी जो सेटलमेंट हो रहा है वो सेकेंड वर्किंग डे यानी 24 अक्टूबर को हो रहा है, यही ना होगा, और ये दोनों का दोनों वर्किंग डे है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं, और उसके बाद का दिन होगा तो उसको फॉरवर्ड रेट बोलेंगे, आज का आज ही होता तो उसको रेडी रेट बोलते हैं या कैश रेट बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है फॉरवर्ड रेट के बारे में सही है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरवर्ड रेट, बहुत अच्छा सवाल है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट रेट यू फॉरवर्ड रेट इज मोर देन स्पॉट रेट, द बेस करेंसी इज एट प्रीमियम। तो डायरेक्ट रेट का मतलब समझते हैं आप, डायरेक्ट रेट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने फॉरेन करेंसी को होम कंट्री के करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं $1 बराबर 100 रुपीज़, तो आप क्या कर रहे हैं कि $1 यानी आपका एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी जो है होम करेंसी यानी डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में एक्सप्रेस है, इसको बोलते हैं आप लोग डायरेक्ट रेट। इनडायरेक्ट रेट क्या होगा, जैसे आप लिखेंगे $1 बराबर $0.01, ₹1 बराबर इतना डॉलर, तो ये हमारा इनडायरेक्ट रेट होगा। तो कह रहा है कि ये जो डायरेक्ट रेट है और उस केस में जो फॉरवर्ड रेट है वो स्पॉट रेट से ज़्यादा है तो करेंसी को हम लोग प्रीमियम पे बोलेंगे, क्या लगता है ये सही है, डायरेक्ट रेट हो और फॉरवर्ड रेट जो है स्पॉट रेट से कम हो तो बेस करेंसी डिस्काउंट पे है, और फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट को बेसिस पॉइंट में एक्सप्रेस करेंगे उसको फॉरवर्ड पॉइंट बोलते हैं, ये भी सही है, ये सब के सब स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉरवर्ड पॉइंट डिटरमाइन करता है बताइए, फॉरवर्ड पॉइंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो देखिए सब पे डिपेंड करता है, चाहे आप सप्लाई डिमांड हो करेंसी का, मार्केट व्यू हो, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस।